एंड वन लेडीज एंड जेंटलमैन बॉयज एंड गर्ल्स सुस्वागतम, स्वागत है आप सभी का स्टैटिस्टिक्स के रिवीजन में। आप ध्यान से ना पूछो क्विकली, सीएस फाउंडेशन के हिसाब से स्टैटिस्टिक्स में क्या इंपॉर्टेंट है, ये ऐसा बनाया हुआ है, ये एक लेक्चर रहेगा। ध्यान से रखना आपके सिलेबस में, आपके एग्जाम में फाउंडेशन के इनफैक्ट ज़्यादा कुछ टफ चीज़ें नहीं आती, राइट? बहुत ही सिंपल सी बेसिक सी चीज़ें आती है, ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं आते। इनफैक्ट कभी कभी सिर्फ 7 क्वेश्चन आए हैं, 50 में से 7, 50 में से 10, ऐसे क्वेश्चन यूजली सीएस फाउंडेशन के स्टैटिस्टिक्स के एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको ज़्यादा टफ एमसीक्यू सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बट यस, जितने भी डेफिनेशंस हैं, जितने भी थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं स्टैट्स के, ये आपको जानना जरूरी रहेगा। बेसिक बेसिक फॉर्मूले, बेसिक बेसिक कैलकुलेशन जो है वही आते हैं, इसलिए ज़्यादा लोड ना ले, लेकिन जो बेसिक चीज़ें हैं वो प्लीज़ 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 करके जाए। इतना सा एक रिक्वेस्ट करके बिना आपका टाइम गवाए चलिए शुरू करते हैं विथ रिविजन फॉर स्टैटिस्टिक्स। सबसे पहले जो हमारा चैप्टर आता है वो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। उसमें याद रखना बच्चों, स्टैटिस्टिक्स कहाँ से आया, तो लैटिन वर्ड से आया। बोलो कहाँ से आया, याद रखना आपको कि स्टैटिस्टिक्स कौन से वर्ड से आया, लैटिन, लैटिन वर्ड से आया। स्टेटस नाम था, रहा है ना, उसको इटालियन में वैसे स्टैटो भी है, रहा है ना, और वैसे आपका जर्मन में स्टैटिस्टिक बोलते थे, क्या बोलते थे, जर्मन, इटालियन और लैटिन क्या था, स्टेटस, तब जाके आ गया स्टैटिस्टिक्स। आज जब बच्चों हम स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं तो स्टैटिस्टिक्स में थोड़ा मास्टर कम करना, अगर आज मैं एकदम हल्का सा कम करना माइक मास्टर, आज अगर बच्चों हम स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं तो हाँ, तो स्टैटिस्टिक्स में एक्चुअली दो चीज़ें देखते हैं हम लोग। दो स्टैटिस्टिक्स मतलब क्या, अगर आप किसी से पूछो तो कुछ लोग स्टैटिस्टिक्स को स्टैटिस्टिकल डेटा के फॉर्म में डिफाइन करते हैं, और कुछ लोग स्टैटिस्टिक्स बोला ना तो उसके मेथड के बारे में बात करते हैं। जैसे हमने कहा कि मान लीजिए मैंने आपसे पूछा सीएस कौन है, तो सीएस का डेटा देना, इतने इतने लोग सीएस है, मुंबई में इतने हैं, पुणे में इतने हैं, वगैरह वगैरह, ये हो गया डेटा बात के हिसाब से, और कुछ मेथड मतलब सीएस क्या क्या करते हैं वैसे टाइप से। तो जैसे स्टैटिस्टिक्स क्या है, तो दो लोग अलग तरीके से डिफाइन करते हैं, कुछ लोग स्टैटिस्टिकल डेटा का इन्फॉर्मेशन देते बैठते हैं। स्टैटिस्टिक्स बोला, अरे तेरे पास स्टैटिस्टिक्स है क्या, अरे पिछले साल के अपने क्रिकेट में क्या क्या कितने स्कोर किया, उसका स्टैटिस्टिक्स है क्या, मतलब दे मीन व्हाट, डेटा, डेटा है क्या। और कुछ लोगों का ऐसा बोलना कि अरे इसका स्टैटिस्टिक्स तूने किया क्या, मतलब वो मेथड अप्लाई किया क्या, एवरेज निकाला क्या, मीन निकाला क्या, मिडन निकाला क्या, मोडल निकाला क्या, ये सुनो, तो वो सब है। तो स्टैटिस्टिक्स को देखने के यूजुअली दो तरीके, एक तो स्टैटिस्टिकल डेटा, दूसरा स्टैटिस्टिकल मेथड। कुछ डेफिनेशन है स्टैटिस्टिक्स के, थोड़े से पढ़ के जाइए बच्चों, याद रखना आपके एग्जाम में आपको डेफिनेशन लर्न करने की जरूरत नहीं है। यू शुड नॉट लर्न द डेफिनेशन, यू शुड ओनली नो द डेफिनेशन, यू शुड ओनली, हर डेफिनेशन का सिर्फ जो की पॉइंट है वो याद रखिए, क्योंकि चार ऑप्शन में से ही वो डेफिनेशन लिखा हुआ होगा, आपको सिर्फ वो की पॉइंट कौन से ऑप्शन में है पहचानना है। जैसे पहला अगर आप देखो वेबस्टर का डेफिनेशन, तो आपने उसमें एक वर्ड याद रखना, जैसे उनका है स्टैटिस्टिक्स रेफर्स टू स्टैटिस्टिकल फैक्ट्स रिप्रेजेंटिंग द कंडीशंस ऑफ द पीपल, तो ये वर्ड याद रखने का, कंडीशंस ऑफ द पीपल, ये जहाँ दिखा वो वेबस्टर का डेफिनेशन हो गया, इतना ही याद रखने का। और अब ये जो डेफिनेशन वाली बात है ना बच्चों, एग्जाम में एक या दो ये डेफिनेशन आते हैं, लेकिन अभी मैं क्या बोलता हूँ, एक या दो भी इंपॉर्टेंट है जिसको ऑल इंडिया रैंक वन लाना है। तो ऑल इंडिया रैंक वन या ऑल इंडिया रैंक टू या टॉप फाइव में जो आना चाहते हैं उन्हें क्या करना चाहिए बच्चों, उनके हिसाब से मैं स्ट्रैटेजी बोल रहा हूँ। एग्जाम के एक घंटे पहले ये चीज़ें रिवाइज, एग्जाम के एक घंटे पहले आपको कॉन्सेप्ट रिकॉर्ड करने की रिकॉल करने की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि कॉन्सेप्ट शायद हमें अपने इतनी बार रिवाइज किए कि शायद आपका भी जब तक थर्ड ईयर मतलब फाइनल ईयर नहीं होता तब तक आप भूलोगे नहीं उसको, आपको कभी जरूरत नहीं रहेगी कुछ करने की। लेकिन बच्चों ये जो डेफिनेशन है ये आप क्या, ये मैं भी भूल सकता हूँ, डेफिनेशन लर्न थोड़ी है, कॉन्सेप्ट याद रहते हैं। एग्जाम के एक घंटे पहले, दो घंटे पहले ऐसी चीज़ें रिवाइज करनी चाहिए। तो मैं कई बार बोलता हूँ लेक्चर में कि ऑल इंडिया रैंक लाना एक कला है, सिर्फ इतना नहीं कि उसको दिमाग लगता है, पता होना चाहिए एग्जैक्टली कब क्या पढ़ना है। तो जब एग्जाम के एक दिन पहले आप जब रिवाइजन कर रहे हो तो कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लेना, एग्जाम के दो घंटे पहले जब रिवाइज कर रहे हो तो डेफिनेशन देख लेना। जैसे वेबसाइट का डेफिनेशन था, बाद में स्टैटिस्टिक्स का कलेक्शन ऑफ नोट वर्दी फैक्ट्स, तो नोट, नोट की बात किसने की, नोट वर्दी, गॉड फ्रेंड, गॉड फ्राइड, अच्छा गॉड फ्राइड मतलब क्या, उसको कहीं कहीं तवे पर डाला गया, उसको पूछो गॉड फ्राइड नाम है उसका, क्या ही गॉड फ्राइड, गॉड फ्राइड, नोट गॉट फ्राइड, नोट गॉट फ्राइड, अरे है ना, तो नोट वर्दी ये शब्द दिखा तो समझना गॉट फ्राइड का डेफिनेशन है, राइट? मतलब वेपन्स का डेफिनेशन है, वेपन्स का, स्टैटिस्टिक्स एग्रीगेट नॉलेज ब्रॉट टुगेदर फॉर अ प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल ऐसा कुछ दिखा, प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल, तो वेपन्स वॉज अ वेरी प्रैक्टिकल पर्सन, वेपन्स वॉज अ वेरी, लर्न नहीं कर रहा यही, ये की वर्ड लर्न करके आने का, एग्जाम में कौन सा ऑप्शन देखने का, अरे है ना, अभी एमसीक्यू फॉर्मेट रखा है तो थोड़े तो मजे लो, थोड़े तो मजे लो एमसीक्यू फॉर्मेट के, आगे वापस लाइफ में देखने नहीं मिलेगा इतना, ओके। वैसे बाउली का भी डेफिनेशन, भाई बाउली, अरे बाउले, आई डोंट नो बाउले, ओके। द स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स इन एंड डेवलपमेंट ऑफ इंक्वायरी, बाद में बाय स्टैटिस्टिक्स वी मीन क्वांटिटेटिव डेटा अफेक्टेड टू मार्क्ड एक्सटेंट, केंडल का बोलना था मार्क्ड एक्सटेंट तक, मार्क्ड एक्सटेंट वर्ड दिखा तो केंडल का डेफिनेशन समझना। बाद में आपको दिया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा, बच्चों ये पता ही जानते हो, डेटा एग्रीगेट होना चाहिए, स्टैटिस्टिक्स में हम डेटम की बात नहीं करते, हम डेटा की बात करते हैं,
बाद में ये जैसे जैसे आप रिविजन रख रहे हो, आपका जो सी एस इंस्टीट्यूट का जो मॉड्यूल है वो सामने रख सकते हो। मॉड्यूल में सही में पढ़ रहा हूँ स्टैटिस्टिक्स के, इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स का जो मॉड्यूल है पेज नंबर 220 से मैं पढ़ रहा हूँ। बाद में डेटम को हम पढ़ते हैं, डेटा को हम नहीं डेटा को हम पढ़ते हैं, डेटम नहीं आता स्टैटिस्टिक्स में। बाद में वो अफेक्टेड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेस होना चाहिए, न्यूमेरिकली डेटा न्यूमेरिकली एक्सप्रेस होना चाहिए क्या, जो डेटा न्यूमेरिकली एक्सप्रेस नहीं कर सकता, जैसे ऑन एन एवरेज खुशी कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, ऑन एवरेज गम कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, ओनली दोज थिंग्स विच कैन बी न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड कैन बी कैलकुलेटेड। ये सो नो एवरीबडी राइट, सो एवरेज सिर्फ न्यूमेरिकली एक्सप्रेस चीज़ों का ही आ सकता है। बाद में वो एन्यूमरेटेड रहना चाहिए डेटा या एस्टिमेटेड रहना चाहिए, एक तो एन्यूमरेटेड भी चलेगा एस्टिमेटेड डेटा रहेगा तो भी चलेगा। बाद में रीजनेबल डिग्री ऑफ एक्यूरेसी क्या होना चाहिए, इसमें एक्यूरेसी एग्जैक्ट एक्यूरेट रहे लेकिन रीजनेबल तो हो, सिस्टमैटिक मैनर में रहे, प्रीडिटरमाइंड पर्पस के लिए रहे और प्लेस इन रिलेशन टू ईच अदर। फिर स्टैटिस्टिक्स को मेथड बोलने वाले भी बहुत सारे लोग हैं, उनके डेफिनेशन से लर्न करने की जरूरत नहीं। ओके, स्टेजेस ऑफ स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी ये यूजुअली आता है। स्टेजेस का क्या है, सबसे पहले डेटा को कलेक्ट करो, बाद में उसको क्या करो ऑर्गेनाइज करो, डेटा को कलेक्ट करो बाद में उसको ऑर्गेनाइज करो फिर उसको एनालाइज करो और लास्ट में इंटरप्रिटेट करो, यस नो राइट। ये सब करने पे स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी आपकी कंप्लीट होती है बच्चों। इसके बाद में है इंपॉर्टेंस, देखे रखे स्टैटिस्टिक्स के बच्चों, हर एक जगह स्टैटिस्टिक्स का इंपॉर्टेंस है, ये कुछ खास पढ़ने की जरूरत नहीं, फंक्शंस पढ़ने की जरूरत नहीं। ओके, नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स साइंस है या आर्ट है बच्चों, तो दोनों है, वो साइंस भी और वो आर्ट भी है। ओके, बाद में हमने स्कोप ऑफ इकोनॉमिक स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स देखे रखा है। स्कोप को पढ़ने के दो तरीके हैं, स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स क्या क्या स्कोप है तो उसको पढ़ने के दो तरीके बच्चों। अरे यार, तो ये देखेंगे स्कोप, स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स पढ़ने के दो तरीके हैं। पहला आप उसको देख सकते हैं डिविजन्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स और दूसरा देख सकते हो एप्लीकेशन। तो डिविजन ऑफ स्टैटिस्टिक्स मतलब कि स्टैटिस्टिक्स की पढ़ाई करने वाले कौन कौन से डिविजन्स है, एवरीबडी कोई डिस्क्रिप्टिव तरीके से पढ़ाई करता है, कोई एनालिटिकल तरीके से पढ़ाई करता है, तो ये भी स्कोप है स्टैटिस्टिक्स के। साथ साथ में एप्लीकेशंस, स्टैटिस्टिक्स के अलग अलग एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पे अप्लाई होता है। अब इसमें इंपॉर्टेंट है बच्चों, जैसे सबसे पहले डिविजन्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स की बात करें हम, तो सबसे पहले है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। इसका फर्स्ट लाइन आपको याद रखना है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स डील्स विद न्यूमेरिकल डेटा। बोलो क्या, तो अगर एमसीक्यू में आया डैश स्टैटिस्टिक्स डील्स विद न्यूमेरिकल डेटा तो सब बोलेंगे डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। ओके, बाद में है अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स, ये भी डिविजन्स में आता है। अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स में याद रखना, इट इज कंसर्न विद एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड। तो याद रखना इसमें उल्टे क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड है, ऑपोजिट। आपको ऐसा पढ़ना डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स हेडिंग और उसके अंदर आप पढ़ोगे इट डील्स विद न्यूमेरिकल डेटा, आप बोलोगे कितना बच्चा पॉइंट है यार क्या, तो इसमें और उल्टा आया डैश स्टैटिस्टिक्स डील्स विद न्यूमेरिकल डेटा, तो आपको तो लगेगा हर स्टैटिस्टिक्स में न्यूमेरिकल डेटा लगता ही है, बट वो नहीं चलेगा। ऑप्शन में अगर डिस्क्रिप्टिव रहेगा तो आपको डिस्क्रिप्टिव पे ही टिक करना पड़ेगा, कि मॉडल में डिस्क्रिप्टिव के नीचे वो लाइन लिखी गई थी। तो ये उल्टे क्वेश्चंस के बारे में थोड़े से सावधान रहिएगा, स्पेशली मैनेजमेंट के सब्जेक्ट में। और जो बिजनेस कम्युनिकेशन है, लेटर का मीनिंग क्या है, लेटर ऐसा पढ़ा लेटर व्हाट इज अ लेटर और उसका डेफिनेशन पढ़ा तो बहुत आसान लगता है, लेकिन उल्टा पूछा अ फॉर्मल वे ऑफ एक्सप्रेसिंग समथिंग वगैरह इज कॉल्ड एज डैश, तो लगता है वो नोटिस भी हो सकता है, लगता है वो सर्कुलर भी होगा, लगता है वो लेटर भी होगा। तो आपको याद रखना है बिजनेस कम्युनिकेशन या बिजनेस करस्पॉन्डेंस में स्पेशली ये उल्टे क्वेश्चंस का ध्यान रखना है, वैसे स्टैटिस्टिक्स में भी। तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में याद रखना न्यूमेरिकल डेटा, बाद में हमारे पास अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स, उसे हम बोलेंगे एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड्स। क्या बोलेंगे, इट्स कंसर्न विद एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड्स एंड टेक्निक्स। ओके, आगे देखना इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स मतलब क्या बच्चों, जैसे इन्फरेंस बोला है, सो फर्स्ट लाइन में आपको देखना है ड्रॉ कंक्लूजन। सो द स्टैटिस्टिक्स द मेथड्स एंड टेक्निक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स विच आर यूज टू ड्रॉ कंक्लूजन्स इज अ डैश डिविजन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, इट इज कॉल्ड एज इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। क्या बोलेंगे, बोलो इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। ओके, चलेगा। इसके बाद में देखना एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स कहाँ कहाँ पे स्टैटिस्टिक्स अप्लाई होता है, स्टेट पे भी अप्लाई होता है, हर जगह अप्लाई होता है बच्चों। इकोनॉमिक्स में अप्लाई होता है, टेस्टिंग ऑफ थियोरीज के लिए, अंडरस्टैंडिंग ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, इकोनॉमिक प्लानिंग, बिजनेस मैनेजमेंट के लिए, सोशल साइंस, नेचुरल साइंस के लिए। ओके, सो बच्चों एक लास्ट लाइन देखो, बिजनेस मैनेजमेंट का पेज 227 पे, बिजनेस मैनेजमेंट थर्ड पॉइंट का लास्ट लाइन, स्टैटिस्टिक्स इज एक्सटेंसिवली यूज इन क्वालिटी कंट्रोल। एग्जाम में आ सकता है, इन स्टैटिस्टिक्स इज यूज फॉर क्वालिटेटिव कंट्रोल इन स्टेट, इन इकोनॉमिक्स, इन बिजनेस मैनेजमेंट, इन बिजनेस मैनेजमेंट। अब देखो मुझे उल्टा क्वेश्चन कितना टफ था, अगर मैं बोलूँ स्टैटिस्टिक्स इज यूज फॉर क्वालिटेटिव कंट्रोल इन, अब आप बोले क्वालिटेटिव कंट्रोल तो सर हर जगह लगता है, बट वो कहाँ पे आया था क्वालिटेटिव कंट्रोल, बिजनेस मैनेजमेंट के पार्ट में, तो वहीं पे आपने उसको याद रखना है। लड़का सभी के लिए, हाँ सर।
आगे बायोलॉजी मेडिसिन में भी बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। आगे देखना लॉज ऑफ स्टैटिस्टिक्स, इसको मैंने सुरक्षा लगाने के लिए बोला था आपको, क्योंकि ये एग्जाम में तो आना ही आना है, इसको तो कोई नहीं रोक सकता, मतलब कई बार आया है। लॉज ऑफ स्टैटिस्टिक्स में दो है, पहला है लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी और लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ लार्ज नंबर्स। याद रखना लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी का डायलॉग क्या है, सेकेंड लाइन देखना इसमें। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इफ लार्ज सैंपल इज टेकन फ्रॉम द पॉपुलेशन इन रैंडम वे, तो अगर आपका सैंपल कैसा है पूछो रैंडम है, इट इज अ फेयर, इट विल फेयरली रिप्रेजेंट द पॉपुलेशन। सो ये एमसीक्यू का ऑप्शन आपको ढूंढना है, ऐसा ऑप्शन जो बोले कि ये लोग क्या बोलते हैं अगर आप एक रैंडम सैंपल लो। रिपीट बच्चों जल्दी से बताएंगे, दिल से पढ़ेंगे, शांति से पढ़ेंगे, ऑल इंडिया रैंक के एंगल से पढ़िए बच्चों। तो बोलिए क्या है, अगर एक सैंपल कैसा है रैंडम, तो इट इज अ फेयर रिप्रेजेंटेशन, इट इज अ फेयर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉपुलेशन, ऐसा कौन बोलता है, लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी। ओके उसे थर्ड लाइन भी पढ़ता हूँ, देखो प्रोफेसर किंग ने बोला था, प्रोफेसर किंग ने इसके बारे में दो शब्द कहे, द लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी फॉर्मुलेटेड इन द मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी लेस डाउन दैट अ मॉडरेटली लार्ज नंबर ऑफ आइटम्स चोजन एट रैंडम फ्रॉम अ वेरी लार्ज ग्रुप आर ऑलमोस्ट श्योर ऑन द एवरेज, ऑन द एवरेज मतलब ही इन जनरल फेयर, ऑन द एवरेज टू हैव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लार्ज ग्रुप। ये किंग का डेफिनेशन भी आ सकता है, तो आपने अंडरलाइन करना है, इज ऑलमोस्ट श्योर ऑन द एवरेज, ऐसा दिखा मतलब एक रैंडम सैंपल रहेगा ना, तो इट हैज यूजुअली ऑन एन एवरेज द प्रॉपर्टीज ऑफ पॉपुलेशन, इट हैज यूजुअली ऑन एन एवरेज, बोलो रे ऑन एन एवरेज द प्रॉपर्टीज ऑफ, प्रॉपर्टीज ऑफ पॉपुलेशन, अरे याद आएगा कि नहीं, राइट right? तो यही है लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी। अब होता क्या है, ये मैंने क्यों ऑनलाइन करा है, क्योंकि उसमें एक शब्द आया प्रोबेबिलिटी लेस डाउन दैट अ मॉडरेटली लार्ज नंबर, तो लार्ज नंबर दिखाना, तो लोगों को क्या लगता है सेकंड लॉ है, लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ लार्ज नंबर्स। आई क्या बोलता है ये, एक फेयरली लार्ज नंबर रहेगा तो क्या, इट हैज ऑन एन एवरेज द प्रॉपर्टीज ऑफ पॉपुलेशन, सो दिस इज लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी गिवन बाय प्रोफेसर किंग। ओके और वही लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ लार्ज नंबर्स क्या बोलता है बच्चों, क्या बोलता है, अच्छा लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी ट्रू होने के लिए जो चीज़ें जरूरी है, एक तो सैंपल रैंडम हो और वो भी सैंपल लार्ज हो, तो दो, एक तो रैंडम ही रहना चाहिए और लार्ज रहना चाहिए, ये जरूरी है, तब जाके लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी आपको देखने के लिए मिलेगा। और वही लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ लार्ज नंबर बोलता है कि लार्जर इज द सैंपल साइज मोर एक्यूरेट आर द रिजल्ट्स, तो एक्यूरेट वर्ड इज मोर इंपॉर्टेंट, लार्ज वर्ड वगैरह पे मत जाना, एक्यूरेट, लार्ज वर्ड उन्होंने ऊपर भी यूज़ किया है नीचे भी यूज़ किया है, आपको ढूंढना है एक्यूरेट बोला है, तो दैट इज लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ लार्ज नंबर्स, लगेगा सभी के लिए। ओके आगे बढ़ेंगे बच्चों, डिस्ट्रस्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स के सारे पॉइंट्स आपको पढ़ने हैं बच्चों। डिस्ट्रस्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स मतलब क्या, ये ट्रू एंड फॉल्स की बात नहीं है, डिस्ट्रस्ट मतलब लोगों का ट्रस्ट क्यों नहीं है, कुछ लोगों का मानना है कि स्टैटिस्टिक्स, एक अउंस ऑफ ट्रूथ विल प्रोड्यूस टन्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स, जैसे पॉलिटिक्स, एक बात बोलो तो उसके ना जाने क्या क्या मीनिंग निकालते लोग, क्या क्या मीनिंग निकालते कि उसने ऐसा बोला मतलब ही वो चाहते हैं कि उनका ये है या उनका, कुछ भी निकालते हैं आज की तारीख में बच्चों, पॉलिटिक्स तो ना जाने क्या कर रहे हैं, कुछ भी करते ही रहते हैं, कुछ भी करते रहे, किसी पार्टी के अगेंस्ट में नहीं, बट हाँ तो बोलना मतलब कि अउंस ऑफ ट्रूथ, बोल गया एक ट्रूथ बोला तो लोग उसका कुछ भी करते, तो इसलिए लोगों का विश्वास नहीं रहा स्टैटिस्टिक्स पे, कुछ लोगों का मानना है इट कैन प्रूव एनीथिंग, कुछ लोगों का मानना है इट कैन प्रूव नथिंग। अब ये डायलॉग तो देखो, फिगर्स डू नॉट लाई, लायर्स मेक फिगर, फिगर सच, फिगर कभी झूठ नहीं बोलते, बट झूठे लोग ही फिगर बोलते तो ऑटोमेटिकली वो झूठी निकलता है, ऐसे इसलिए लोगों का विश्वास नहीं रहा किसके ऊपर, स्टैटिस्टिक्स के ऊपर। तो फिगर्स आर इनोसेंट एंड इजिली बिलीवेबल, देर आर थ्री टाइप्स ऑफ लाइज, दो झूठ बोलने वाले तीन लेवल है, एक है लाइज झूठ बोलते, कुछ रहता है डैम लाइज, कितना झूठ बोल रहा है, और कुछ रहता है स्टैटिस्टिक्स मतलब जो सबसे ज्यादा झूठ बोलता है, ऐसा लोगों का विश्वास है। फिगर्स दो एक्यूरेट माइट बी मैनिपुलेटेड बाई सेल्फिश पीपल, इसलिए लोगों का डिस्ट्रस्ट है स्टैटिस्टिक्स के ऊपर, ये पॉइंट्स आपको पढ़ के जाने हैं बच्चों। आगे आएंगे आप कलेक्शन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा पे, ये सेकंड पार्ट शुरू होता है कलेक्शन एंड प्रेजेंटेशन। सबसे पहले हम बात करेंगे कलेक्शन की, डेटा को बच्चों अगर कलेक्ट करना है तो हमारे पास पेज नंबर 231 पे देखिए, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, रिपीट प्राइमरी एंड सेकेंडरी, हमारे पास दो सोर्सेस है, याद रखना प्राइमरी डेटा मतलब ओरिजिनल डेटा, सेकेंडरी इज यूजुअली कंपाइलेशन, रिपीट करेंगे बच्चों, सेकेंडरी इज यूजुअली कंपाइलेशन, बाद में कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा, उसको ह्यूज रिसोर्सेस लगते हैं, प्राइमरी डेटा के लिए क्या लगता है बच्चों जल्दी बोलेंगे, ह्यूज रिसोर्सेस, बहुत यूजेस लगता है, कि प्राइमरी आप खुद जाकर घर घर जाके डेटा कलेक्ट करते हैं, जबकि कंपाइलेशन करने के लिए कॉपी पेस्ट चाहिए, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, अरे सर नो, इसलिए सस्ता गिरता है। बाद में प्राइमरी डेटा जो है वो ऑब्जेक्टिव को दिमाग में रखकर कलेक्ट किया जाता है, सेकेंडरी डेटा ऐसा सूटेबल नहीं रहेगा,
प्राइमरी डेटा मे बी यूज इन ओरिजिनल फॉर्म, सेकेंडरी डेटा को बहुत केयर और प्रिकॉशंस लेना पड़ता है कि वो आपने नहीं कलेक्ट किया है. और ये है प्राइमरी डेटा बहुत रिलायबल है, मोर रिलायबल, मोर एक्यूरेट एंड मोर एडिक्वेट. ये थोड़ा लेस है राइट. प्रिकॉशंस यूज करने आपको सेकेंडरी डेटा यूज करते हो, सेकेंडरी डेटा मतलब किसी और ने कलेक्ट किया है पर आप यूज करने वाले हो, जल्दी बोलेंगे हाँ. तो सेकेंडरी डेटा बच्चों इस्तेमाल करते वक्त आपने कुछ प्रिकॉशंस लेने हैं. जैसे आवाज का बच्चों लास्ट बच्चे ध्यान रहे, आपको देखना है कि वो क्या वो सूटेबल है, बाद में आपने देखना क्या वो रिलायबल है, बाद में देखना आपने क्या वो एडिक्यूएट है. तो ये तीन चीज़ें एस आर ए सार. सेकेंडरी में देखो बच्चों आपको तीनों दिखेंगे. देखो सेकेंडरी में ये है, सेकेंडरी डेटा को क्या क्या यूज क्या प्रिकॉशन लेना है, एस ए और आर सार. सेकेंडरी डेटा यूज करते हो तो आपने क्या करना बच्चों, लिखा है प्रिकॉशंस क्या लेने हैं, सार मतलब क्या, सुटेबल रिलायबल एक्यूरेट है क्या, चेक करो. डी ऑप्शन रहेगा ऑल द अबव. ओके बच्चों मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा. बच्चों प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने के अलग अलग मेथड्स हैं. इन मेथड्स के बच्चों मेरिट्स एंड डीमेरिट्स प्लीज 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 पढ़ के जाना, बहुत सिंपल है बट जब उल्टा क्वेश्चन पूछते हैं वंस अगेन तो टफ जाता है. जैसे देखिए सबसे पहले हमारे पास है डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू. ओके तो इन्वेस्टिगेटर इसमें पर्सनली जाता है, इसके मेरिट क्या है, बहुत हाईली एक्यूरेट है, बोल क्या हाईली एक्यूरेट है, रिलायबल है. और सबसे मेन है कि इसमें आप सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हो. जाते वक्त आपने नहीं सोचा था कि आप ये उससे क्वेश्चन पूछेंगे बट ऑन द स्पॉट लगा कि इस क्वेश्चन के ऊपर आप थोड़ा और डिटेल में आंसर दीजिए, अरे सो नो, आप सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन भी पूछ सकते हो, अरे सो नो. ओके लेकिन इसके डिमेरिट्स क्या है कि इसमें सब्जेक्टिव ओपिनियन आ सकता है. क्या सकता है बच्चों, टाइम पास करना है. सुनो कुछ बच्चे, एक दो ही बच्चे, बाकी सब इतना प्यार से पढ़ रहे हैं, कुछ ही एक दो बच्चे हैं ना जो फालतू में टाइम पास कर रहे हैं. तो मैं क्या बोलता हूँ, आप करिए, आई रिस्पेक्ट दैट टाइम पास, बट आप बाहर जाके कर लीजिए. सब्जेक्टिव कितना भी सिंपल रहा तो मेरा काम ये नहीं आपको बताना, मैं आपको समझा नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ बता रहा हूँ क्या पढ़ना है, एग्जाम में क्वेश्चन क्या टाइप का है. सो आप ये मत देखिए मुझे आ रहा है, आपको आना ही चाहिए. अगर आपको ये नहीं आ रहा है ना तो मतलब दसवीं पास के भी इसके नहीं, तो ये मत देखो मेरे को आ रहा है, मतलब सिंपल है. एग्जाम में कौन सा टाइप का क्वेश्चन आएगा ध्यान रखना. दो तीन ही क्वेश्चन से ऑल इंडिया रैंक जाता है. मेरे ऑल इंडिया रैंक 4 में और ऑल इंडिया रैंक 1 में 6 मार्क का डिफरेंस है, मतलब तीन क्वेश्चंस, तीन थे पांच थे, 10 मार्क का फर्क है मेरे ख्याल से. मतलब पांच क्वेश्चन में अगर सही लिखता तो मेरा ऑल इंडिया 1 रैंक था, तो मेरा ऑल इंडिया 4th रैंक आया सिर्फ वो चार पांच क्वेश्चन की वजह से. तो वो चार पांच क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन को ऐसा हो सकता है राइट. है टफ कुछ भी नहीं बट यू शुड बी एबल टू फोरसी कौन से टाइप का क्वेश्चन आएगा, ये बताना मेरा काम है इस लेक्चर में. सो याद रखना सब्जेक्ट एडिट इसमें आ सकता है. इस मेथड का सक्सेस डिपेंड करता है आपके कैपेबिलिटी पे, जो इंटरव्यूअर है उसके कैपेबिलिटी पे. बात देखिए इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये कब इस्तेमाल करते हैं, जब हम थर्ड पार्टी को क्वेश्चन पूछते हैं. ये क्यों करना पड़ता है, बिकॉज द सब्जेक्ट इज नॉट, मान लो सब्जेक्ट अगर रेडी नहीं है इन्फॉर्मेशन देने के लिए, जैसे चोर से पूछोगे तूने चोरी की क्या, तो वो नहीं बोलेगा, तो आप थर्ड पार्टी से पूछोगे राइट. सो सब्जेक्ट इज नॉट कोऑपरेटिव और सब्जेक्ट इज नॉट आंसरिंग, देन यू यूज इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन. ओके इसमें याद रखना यूजुअली ये मेथड कहाँ पे यूज करते हैं, तो लास्ट लाइन पेज नंबर 233 पे, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन की लास्ट लाइन. इंक्वायरी कमेटी एंड कमीशंस जब होते हैं, इंक्वायरी कमेटी कमीशंस जब बिठाए जाते हैं, ये लोग ये मेथड यूज करते हैं. अब उल्टा क्वेश्चन आएगा, इंक्वायरी कमेटीज एंड कमीशंस यूज डैश मेथड, तो आपको लगेगा अरे वो टेलीफोन पे भी पूछ सकते हैं, आपको लगा अरे वो पर्सनल इन्वेस्टिगेशन भी कर सकते हैं, बट नहीं, मॉड्यूल में ये कहा आया था इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन के नीचे, तो आपने इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन ही बोलना है. ध्यान रखिएगा ऐसे क्वेश्चन बिजनेस करस्पॉन्डेंस में सबसे ज़्यादा आते हैं. सबके डेफिनेशन उल्टे पढ़ना, लेटर का डेफिनेशन, सर्कुलर का डेफिनेशन उल्टा पढ़ना. ऐसा पढ़ा लेटर, लेटर हेडिंग पढ़ा, बाद में पढ़ा इट्स अ फॉर्मल वे ऑफ एक्सप्रेसिंग समथिंग वगैरह, ऐसा कुछ भी मान लो, मतलब तो हाँ बराबर है, वो बराबर या गलत नहीं पूछा था तुमको. नोटिस और सर्कुलर के डेफिनेशन कितना हल्का सा फर्क है, समझ में आ रहा है. नोटिस हेडिंग पढ़ा और फिर नोटिस का डेफिनेशन पढ़ा, लगता है बरोबर है, एग्जाम में बरोबर है गलत नहीं आने वाला है. एग्जाम में डेफिनेशन बोलेंगे और पूछेंगे क्या वो लेटर का डेफिनेशन है, क्या वो नोटिस का है, क्या वो सर्कुलर का है, अरविटिंग बड़ी बड़ी. तो उल्टा ध्यान से पढ़ना, ये वही लोग ध्यान से दिल पे ले जो रैंक लाना चाहते, जिनको पास होना है छोड़ देना आगे, फिर भी पास हो जाओगे. ओके नेक्स्ट आगे, इन्फॉर्मेशन रिसीव फ्रॉम लोकल एजेंसी. अच्छा ओरल इन्वेस्टिगेशन पढ़ रहे थे, इसका मेरिट क्या है, जब सामने वाला रिलक्टेंट है तब ये देता है, लेकिन हाँ इसका डीमेरिट ये है कि इसमें जो आंसर जो भी इन्फॉर्मेशन आता है वो हमेशा रिलायबल रहे, गारंटी नहीं है. तो इन्फॉर्मेशन आ सकता है डेटा कलेक्टेड अंडर डैश मेथड मे नॉट बी रिलायबल इन डायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन. ओके बच्चों
नेक्स्ट देखेंगे उसके बाद में. थर्ड मेथड हमारे पास है इन्फॉर्मेशन रिसीव थ्रू लोकल एजेंसीज. बोलेंगे लोकल एजेंसीज एंड करस्पॉन्डेंट्स. यहाँ तक ध्यान से रखिएगा, ये वहाँ पे यूज़ होता है जहाँ पे पीरियोडिक इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है. बोलेंगे ये एमसीक्यू में आ सकता है आपको. पीरियोडिक इन्फॉर्मेशन वहाँ पे लोकल एजेंट्स रहते हैं हमारे या करस्पॉन्डेंट रहते हैं. पीरियोडिक इन्फॉर्मेशन जैसे न्यूज़ चैनल, इनको रोज़ इन्फॉर्मेशन चाहिए कि महाराष्ट्र में क्या हुआ, तमिलनाडु में क्या हुआ, अपने कश्मीर में क्या हुआ. मेन इनको इन्फॉर्मेशन चाहिए कि कामशेट में क्या चल रहा है, की इंटरेस्ट रोज़ उनको जानना रहता है कि क्या चल रहा है. अब ये रोज़ आकर तो नहीं देख सकते ना कि कामशेट में क्या चल रहा है, कश्मीर में क्या चल रहा है, राइट. सो वो उधर लोकल एजेंसीज अपॉइंट करते हैं. सो लोकल एजेंट्स और करस्पॉन्डेंट्स, ये मेथड यूजुअली तब यूज़ होता है व्हेन यू रिक्वायर पीरियोडिक इन्फॉर्मेशन. इसके मेरिट्स में आपको याद रखना है, दिस इज़ वेरी इकोनॉमिक क्योंकि आपको जाने की ज़रूरत नहीं है कश्मीर में, एंड एक्सपीडिशियस एज वेल. साथ साथ में जहाँ पे आपको कंटिन्यूस बेसिस पे इन्फॉर्मेशन चाहिए, बोलेंगे पीरियोडिक कंटिन्यूस, वहाँ पे ये यूज़ होता है. उल टाइम से कहेगा व्हेन इन्फॉर्मेशन इज रिकॉर्ड ऑन कंटिन्यूस बेसिस, डैश मेथड इज यूज. तो आपको लगा टेलीफोन कि सबसे आसान है ना, फटक से फ़ोन करके बात कर सकते हैं, बट वो भले सही है पर आप वो नहीं लिख सकते हैं क्योंकि मॉड्यूल में ये कहाँ पे आया था, ये आया था, यस परफेक्ट राइट. तो क्योंकि ये लोकल एजेंसीज इन्फॉर्मेशन कलेक्ट, तो लोकल एजेंसीज एंड करस्पॉन्डेंट के नीचे लिखा हुआ पॉइंट है, आपने वही आंसर लिखना है. फोर्थ वाला देखेंगे, मेल्ड क्वेश्चनर सेंड थ्रू एन्यूमरेट मेल क्वेश्चनर. इसमें याद रखना है, ये बहुत पॉपुलर लास्ट लाइन, अमंग्स रिसर्च वर्कर्स एंड प्राइवेट एजेंसी. उल्टा क्वेश्चन आएगा, डैश मेथड इज पॉपुलर इन अमंग्स रिसर्च एजेंसीज, पेज 233 पे मेल्ड क्वेश्चन है. ओके, आप अपना रिसर्च क्या किया आपने इसके ऊपर, प्लीज हमको लिख कर भेजिए. ये भी इकोनॉमिक है, बहुत वाइड एंड एक्सटेंसिवली इंक्वायरी अगर है आपकी, वाइड एंड एक्सटेंसिव तो ये यूज होता है. उल्टा क्वेश्चन, वाइड एंड एक्सटेंसिव अगर इंक्वायरी है तो डैश मेथड. कौन सा मेथड बोलो, मेल्ड क्वेश्चन है. ओके, और वापस ये वहाँ पे मान लो डीमेरिट के स्केल के, अगर इलिटरेट है सामने वाला कैसा है, तो तुमने उसको मेल भेजा उसको रिप्लाई करते ही नहीं आएगा, अरे आए ना, अरे एवरीबॉडी. ओके, फोर्थ वाला, फिफ्थ वाला, स्केड्यूल क्वेश्चनर सेंड थ्रू एन्यूमरेटर्स. ये कहाँ पे यूज होता है, आप मेल भी भेजो साथ में एन्यूमरेटर भी भेजिए. ये कहाँ यूज होगा बच्चों, जब सामने वाला इलिटरेट है तब ये भेज दो आप. तो ये इलिटरेट भी रहा, इसका मेरिट है, इलिटरेट भी रहा तो अपने एन्यूमरेटर साथ में भेजा है, वो इन्फॉर्मेशन निकाल कर उनके लिए फिल इन कर सकते हैं. तो लिटरेट हो या इलिटरेट हो, या पे मेथड चलता है. ये भी एक्सटेंसिव सर्वे में यूज होता है, और अगर पुअर रिस्पॉन्स है तो एन्यूमरेटर सामने वालों को बूस्ट कर सकता है. सर प्लीज़ थोड़ा बोलिए ना, सर प्लीज़ सर और दो शब्द बोलिए ना. तो पुअर रिस्पॉन्स है तो यहाँ पर एन्यूमरेटर को भेजना सेंस बनता है. टेलीफोनिक सर्वे, ये तो हम जानते हैं सबसे कन्वीनियंट है, दिस मेथड इज मोर कन्वीनियंट, लेस टाइम कंज्यूमिंग, बट ये भी सब्जेक्टिव है टेलीफोन पे. तो इसका मेरिट है कि इट इज़ कन्वीनियंट, बट डीमेरिट इट इज़ सब्जेक्टिव. तो बचो सब्जेक्टिव या डीमेरिट दो जगहों पे आया, एक डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू और दूसरा टेलीफोनिक सर्वे. बाद में सेंसस और सैम्पल, इसके बीच में डिफरेंस दिया है. तो पेज नंबर 234-235 पे कुछ भी खास पढ़ने जैसा नहीं है, आप डायरेक्ट लेंगे पेज 237 पे जहाँ पे उन्होंने लिख कर दिया है उसमें डिफरेंस. हम सब जानते हैं सेंसस में कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज है, सैम्पल में बहुत ही सिलेक्टिव है. ये बहुत एक्यूरेट रहेगा, ये लेस एक्यूरेट रहेगा, बट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अब ये है. सेंसस इन्वेस्टिगेशन में ओनली वन टाइप ऑफ एरर है, और कौन से एरर्स, नॉन सैम्पलिंग एरर. क्योंकि यहाँ पे सैंपल लेते नहीं तो एक ही टाइप का एरर हो सकता है, वो है नॉन सैम्पलिंग एरर, मतलब काउंटिंग एरर्स गलती की. सैंपल में गलती हो ही नहीं सकती, यहाँ पे सैंपल लेने में गलती की ऐसा यहाँ पे हो ही नहीं सकता कि सेंसस में हम सैंपल ही नहीं लेते. यस ना एवरीबॉडी, राइट, ओनली वन टाइप ऑफ एरर, बट ओनली वन टाइप ऑफ एरर. और यहाँ पे अगर आपने सैंपल लिया तो दो टाइप के एरर्स है, टू टाइप्स ऑफ एरर्स, एक तो सैम्पलिंग एरर्स एंड नॉन सैम्पलिंग एरर्स. तो यहाँ पे वन टाइप है, यहाँ पे टू टाइप्स है. अब भले यहाँ पे वन ही टाइप है बट यहाँ पे मोर एरर्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर इज मोर. यहाँ पे दो टाइप के एरर है पर क्योंकि सैंपल छोटा होता है इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर्स इज लेस. सो बच्चों क्वेश्चन ध्यान से सुनना, अगर पूछा नंबर ऑफ एरर्स आर मोर इन डैश तो क्या बोलोगे, सेंसस, बट टाइप्स ऑफ एरर्स आर मोर इन सैंपल. सैंपलिंग में दो टाइप के एरर है, होते एरर कम है पर टाइप दो है. और आपके क्या नाम उसका,
सेंसस में एक ही टाइप का एरर पर बहुत ज्यादा हो सकता है, क्योंकि सेंसस इज अ कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज. ओके, तो यहाँ पे कलेक्शन का पार्ट खत्म होता है बच्चों. अब डेटा प्रेजेंट करना है तो हमारे पास अलग अलग तरीके हैं प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा के ऊपर. ओके, सो देखना, सो डेटा को हम कैसे से प्रेजेंट कर सकते हैं, तो हम डेटा को क्लासिफाई कर सकते हैं पहला तरीका, दूसरा हम उसको टैबुलेट कर सकते हैं, तीसरा हम उसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन तरीके से, फोर्थ वाला डायग्रामेटिक तरीके से, और फिफ्थ वाला ग्राफिकल तरीके से उसको प्रेजेंट कर सकते हैं. डेटा कलेक्ट कर अगर मान लीजिए क्लासीफाई करना, तो क्लासीफाई बहुत तरीके से हो सकता है एज पर जेंडर, क्वालिफिकेशन, रीजन, राइट. क्लासिफिकेशन क्या है, क्लासिफिकेशन एज पर टाइम कर रहे हो तो उसको क्रोनोलॉजिकल बोलते हैं, क्लासिफिकेशन एज पर लोकेशन कर रहे हो तो उसको ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन बोलते हैं. अगर किसी एट्रीब्यूट के हिसाब से या मैग्नीट्यूड के हिसाब से कर रहे हो बच्चों, तो उसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन. सॉरी, एट्रीब्यूट के हिसाब से कर रहे हो तो क्वालिटेटिव, और न्यूमेरिकल वैल्यू देखकर आप डेटा क्लासिफाई कर रहे हो तो उसको बोलेंगे क्वांटिटेटिव. सो क्रोनोलॉजिकल, ज्योग्राफिकल, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव. उसे साथ साथ में ही मान लीजिए आगे आएंगे आप, तो टैबुलेशन, डेटा को टैबुलेट कर सकते हैं. टेबल के पार्ट्स देखे रखे पेज नंबर 242 में, उसमें आपको कैप्शन एंड स्टब, कॉलम का जो हेडिंग रहता है उसको क्या बोलते हैं, कॉलम का जो हेडिंग रहता है उसको क्या बोलते हैं, कैप्शन. सी फॉर कॉलम, सी फॉर कैप्शन, याद रखिएगा. और जो आपका रो का हेडिंग रहता है उसे हम कहते हैं स्टब, वी कॉल्ड एज स्टब. फेयर इनफ एवरीबॉडी? यस. ओके, देन फुट नोट्स, द डेफिनेशन ऑफ फुट नोट इज इंपॉर्टेंट. डैश आर यूज टू क्लैरिफाई एनीथिंग विच इज नॉट अदरवाइज क्लियर बाय हेडिंग. डैश इज यूज टू क्लैरिफाई समथिंग विच इज नॉट अदरवाइज क्लियर फ्रॉम हेडिंग. सी, हेडिंग से यूजुअली चीजें क्लियर होती है, नहीं हुई तो फुट नोट में लिख. तो अभी लोगों को इसका उल्टा क्वेश्चन पूछा तो लोग बोलेंगे अगर हेडिंग में क्लियर नहीं हुआ तो सब टाइटल में क्लियर होगा, और टाइटल क्लियर नहीं कर पाया तो सब टाइटल क्लियर करेगा. अपने ऐसा उल्टा पूछा ना तो वाट लगती है. डैश इज यूज फॉर क्लियरिंग दैट इज नॉट क्लियर बाय हेडिंग. तो आप बोलोगे सब टाइटल, मैं टाइटल क्लियर नहीं करा तो सब टाइटल क्लियर करेगा, बट आंसर क्या है, फुट नोट. उल्टे क्वेश्चन का ध्यान दो. सीधा पढ़ा तो बड़ा आसान लगता है, फुट नोट और फुट नोट्स आर यूज फॉर क्लियरिफाइंग वॉट इज नॉट क्लियर बाय हेडिंग. बरोबर ना, उल्टा. ओके, सोर्स नोट याद रखना. सोर्स नोट इज रिक्वायर्ड इफ द सेकेंडरी डेटा इज यूज. तो ये हम सीखना सकते हैं, वेन एवर सेकेंडरी डेटा इज यूज डैश इज रिक्वायर्ड, सोर्स नोट. ओके, फिर टेबल को क्लासीफाई करने के बहुत तरीके हैं. पहला है सिंपल टेबल एंड कॉम्प्लेक्स टेबल. सिंपल टेबल में क्या रहता है बच्चों, सिंगल कैरेक्टरिस्टिक, इसी को वन वे टेबल भी बोलते हैं, और कॉम्प्लेक्स मतलब टू और मोर कैरेक्टरिस्टिक्स यूज किए जाते हैं. एक और तरीका क्लासीफाई करने का टेबल को, ए हुआ सिंपल कॉम्प्लेक्स, बी आप कर सकते हो जनरल पर्पस टेबल एंड स्पेसिफिक टेबल. जनरल पर्पस टेबल जो है वो एक जनरल रेफरेंस के लिए यूज किया जाता है, अरे सुनो, और जो स्पेसिफिक टेबल है राइट दैट इज यूज मोर फॉर एनालिसिस या एनालिटिकल पर्पसेस. क्लियर है सभी के लिए? जल्दी बोलेंगे हाँ, बाद में गाइडलाइंस पढ़ने की जरूरत नहीं. पेज नंबर 245 इतना खास नहीं, 246 पे क्वेश्चन दिया है, ज़्यादा एक्सपेक्टेड नहीं. फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन तीसरा तरीका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का. ओके, अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से प्लीज आप डेटा को एक और तरीके से प्रेजेंट कर सकते हो, दैट इज यूजिंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जहाँ पे हम एक्स और उसकी फ्रीक्वेंसी दिखा दें राइट. तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास हो सकता है अनग्रुप्ड डेटा, बोल गया, अनग्रुप्ड डेटा या ग्रुप्ड डेटा. ओके, सो अनग्रुप डेटा इसी को बोलते हैं डिस्क्रीट डेटा, बोल गया, और ग्रुप्ड मतलब ही इसको हम बोल सकते हैं कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूस, याद रखना आपने. फिर कुछ टर्मिनोलॉजीज है, जैसे क्लास का मिड पॉइंट निकालना है तो फॉर्मूला क्या है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 वगैरह वगैरह. फिर एक है एक्सक्लूसिव क्लासिफिकेशन, बच्चों हमेशा देखेंगे जब भी ऐसा रहता है ना 0 to 10, 10 to 20, जब कंटिन्यूस रहता है वो एक्सक्लूसिव रहता है, कि उसमें ये अपर लिमिट क्या रहती है, एक्सक्लूडेड. जैसे 0 to 10 में 10 नहीं आता, 9.999 तक आएगा, 10 सेकंड वाले में आता है, इसलिए क्योंकि लास्ट अपर लिमिट इज एक्सक्लूडेड. कंटिन्यूस डेटा क्लासिफिकेशन जब होता है उसी को हम कहते हैं एक्सक्लूसिव डेटा क्लासिफिकेशन, उसमें अपर लिमिट एक्सक्लूड की रहती है. नेक्स्ट पेज पे आएंगे इंक्लूसिव, बच्चों जब कंटिन्यूस नहीं है, जैसे 0 to 9, 10 to 19, 20 to 29, इसको इंक्लूसिव बोलते हैं, कि उसमें अपर लिमिट इज इंक्लूडेड. जैसे 9 बोला तो 9 ऊपर वाले क्लास में आएगा, नीचे वाले में नहीं, अपर लिमिट इज इंक्लूडेड, हेंस वी कॉल्ड एज
इंक्लूसिव क्लासिफिकेशन. रिपीट करेंगे, इंक्लूसिव क्लासिफिकेशन. ओके, बाद में एक फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का फॉर्मूला है पेज नंबर 251 पे. क्लास की फ्रीक्वेंसी, क्लास फ्रीक्वेंसी अपॉन विड्थ ऑफ द क्लास. मान लीजिए क्लास की फ्रीक्वेंसी 10 है, एक क्लास में 10 ऑब्जर्वेशन है और क्लास था 0 to 5. क्लास क्या था? तो क्लास की विड्थ है 0 to 5. तो विड्थ कितनी है? 5. तो 5 की विड्थ में, 0 to 5 में, 5 की खिड़की में 10 की फ्रीक्वेंसी है, तो डेंसिटी हो गई 2. सो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का फॉर्मूला याद रखना, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी मतलब ऊपर फ्रीक्वेंसी नीचे विड्थ. फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, अगर एग्जाम में कन्फ्यूजन हो ही गया ऊपर क्या था नीचे क्या था, याद रखना फ्रीक्वेंसी डेंसिटी तो ऊपर फ्रीक्वेंसी है, नीचे लॉजिक से आंसर दे देना अभी. ओके, आगे ये प्रोफेसर स्टगर्स का जो फॉर्मूला है, के इज इक्वल टू व्हाट? 1+3.322 log n टू द बेस 10. प्रोफेसर स्टगर्स का फॉर्मूला है फॉर कैलकुलेटिंग व्हाट? नंबर ऑफ क्लासेस. ये पढ़िएगा, एग्जाम में यूजुअली ऐसे ऑप्शन देंगे 1.21 + 2.233, ऐसा आएगा एक ऑप्शन, ऐसा अलग अलग वैरायटी देते हैं. याद रखना 1+3.322 log n टू द बेस 10, वेर n रिप्रेजेंट्स व्हाट? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. लड़का सभी के लिए यस नो? ओके, बाद में ये प्रोफेसर स्टगर्स का फॉर्मूला है नंबर ऑफ क्लासेस निकालने के लिए. बच्चों सुपर फास्ट रिवीजन है, आई होप आप मेरे साथ मैच कर पा रहे हो, राइट? बाद में अगर मान लीजिए आपको नंबर ऑफ क्लासेस का, क्लास की साइज निकालनी है. नंबर ऑफ क्लासेस ठीक है सर, हमको 8 क्लासेस बनाने हैं, ठीक है, पर एक क्लास की विड्थ कितनी रहेगी, क्लास की साइज कितनी रहेगी? तो ऊपर लेने का रेंज, क्या लेने का? रेंज का फॉर्मूला क्या रहता है? लार्जेस्ट नंबर माइनस स्मॉलेस्ट नंबर, वो डिवाइड बाय प्रोफेसर स्टगर्स का फॉर्मूला, मतलब नंबर ऑफ क्लासेस. ये आपको आ जाएगा समझ में, एक क्लास की साइज क्या होनी चाहिए. एवरीबॉडी, क्रॉस टैबुलेशन भी हम करते हैं, ये एमसीक्यू में आएगा. क्रॉस टैबुलेशन काफी यूज होता है वेर यू वांट एनालिटिकल टेक्निक. बच्चों डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन फोर्थ तरीका डेटा को प्रेजेंट करना, फोर्थ है यूजिंग डायग्राम्स. डायग्राम के एडवांटेजेस दिए, इजी है, लिमिटेशंस वगैरह आप पढ़ सकते हो. डायग्राम में हमारे पास सबसे पहले टाइप्स अगर हमको देखना, तो पहला है लाइन डायग्राम. बोलो क्या? दिस इज यूज व्हेन द नंबर ऑफ आइटम्स आर लार्ज एंड डिफरेंट वैल्यूज आर रिप्रेजेंटेड बाय द लेंथ ऑफ द लाइन. जितनी लाइन बड़ी, जैसे ये लाइन डायग्राम है, जितनी लाइन बड़ी उतना वैल्यू ज्यादा. एंड दिस मेथड इज यूज व्हेन द नंबर ऑफ आइटम्स इज लार्ज. ये एग्जाम में आ सकता है. व्हेन लार्ज आइटम्स आर देयर, डैश मेथड इज यूज्ड, लाइन डायग्राम. ये फर्स्ट तरीका हुआ डायग्राम निकालने का. दूसरा तरीका सिंपल बार डायग्राम. सिंपल बार डायग्राम. बच्चों आगे हम एक हिस्टोग्राम पढ़ते हैं, वो भी रहता है, और ये बार डायग्राम, दोनों में इतना फर्क याद रखना. बार डायग्राम में यहाँ पे स्पेस हो सकती है बीच में, हिस्टोग्राम में क्लासेस यूजुअली आर कंटिन्यूस, तो ऐसे स्पेस नहीं रहती, हिस्टोग्राम ऐसा रहता है. ये हिस्टोग्राम, ये लाइए बार डायग्राम, स्पेस हो सकती है बीच में. यस नो? ओके, बाद में मल्टीपल बार डायग्राम, जब आप एक ही टाइम के अलग अलग डेटा दिखाते हो मल्टीपल बार से, जैसे साइंस में कितने बच्चे, आर्ट्स में कितने, कॉमर्स में कितने, तो बोलेंगे मल्टीपल बार डायग्राम. अरे बड़ी, या इसी का दूसरा नाम क्या है, ये अंडरलाइन करना पेज नंबर 256 पे. मल्टीपल बार डायग्राम इज ऑल्सो नोन एज कंपाउंड बार डायग्राम. यहाँ पे टू और मोर सेट्स ऑफ डेटा एक साथ दिखाए जाते हैं, इज कॉल्ड एज मल्टीपल बार डायग्राम. बाद में हमारे पास क्या बच्चों, सब डिवाइडेड बार डायग्राम बोलेंगे. तो ये फोर्थ टाइप है डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन का. तो लाइन डायग्राम हो गया, बार डायग्राम हो गया, मल्टीपल बार डायग्राम हो गया, फोर्थ है हमारे पास सब डिवाइडेड. तो सब डिवाइडेड कब होता है? व्हेन यू वांट टू शो वेरियस कंपोनेंट्स, पेज 257 पे सब डिवाइडेड का सेकंड लाइन. जब आपको एक के वेरियस कंपोनेंट्स दिखाने, जैसे नींबू शरबत में नींबू कितना रहता है, पानी कितना रहता है, शरबत रहा है ना, सॉल्ट कितना रहता है, वो अगर आपको दिखाना है तो डिवाइडेड इंटू वेरियस कंपोनेंट्स. Each phenomena is divided into what? Various components is called as subdivided या component bar diagram. इसके अलावा last fifth वाला है pie chart. याद रखना pie chart is not a graphical method, it's a diagrammatic method. Diagram है वो pie chart. Everybody? Yes, no?
उसमें एंगल कैसे निकालना है ये हमने रेगुलर लेक्चर में देखा है कितना एंगल आएगा. ओके इसके बाद में आपका फिफ्थ और लास्ट जो है तरीका सिलेबस में वो है ग्राफिकल मेथड. कौन सा मेथड पूछो? ग्राफिकल मेथड में देखेंगे हमारे पास क्या क्या है. सबसे पहले हमारे पास क्या है, पहला मेथड क्या है? यस, पहले क्वाड्रेंट हमको पता होने चाहिए. एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, यहाँ पे क्या रहता है प्लस प्लस, इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको सेकंड, इसको थर्ड क्वाड्रेंट और इसको फोर्थ. क्वाड्रेंट का नाम निकालते वक्त याद रखना एंटी क्लॉकवाइज जाना है. लोग इसको फर्स्ट बोरोवर बोल देते और सेकंड नीचे वाले को बोलते जो रॉन्ग है. एंटी क्लॉकवाइज, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ. एवरीबडी कोऑर्डिनेट्स हमको मालूम है, यहाँ पे क्या रहता है प्लस प्लस, यहाँ पे क्या रहता है माइनस प्लस, यहाँ पे क्या रहेगा माइनस माइनस, यहाँ पे क्या रहेगा प्लस माइनस. साइंस ओके, रूल्स देके रखे हैं डायग्राम निकालने के, जो इतने जो आप पढ़ सकते हो, 260 261 कुछ भी नहीं पढ़ सकते आप. टाइप्स ऑफ ग्राफ्स, अभी ग्राफ्स में अगर टाइप्स देखने मुझे तो मेरे पास बेसिकली दो टाइप के ग्राफ्स रहते हैं. पहला कौन सा है? टाइम सीरीज के ग्राफ. इन्हीं को हम क्या कहते हैं? हिस्टोग्राम. ये सबसे इंपॉर्टेंट पूछो, हिस्टोग्राम है. दो तीन शब्द हमको आने वाले, अभी हिस्टोग्राफ आएगा, हिस्टोरीग्राम आएगा. तो टाइम सीरीज को हम क्या बोलते हैं? हिस्टोरीग्राम सर, नॉट हिस्टोग्राम, इसको हम बोलते हैं हिस्टोरीग्राम. ओके सो टाइप्स ऑफ ग्राफ अगर मुझे पढ़ना है तो उसमें पहला टाइप क्या पूछो? फर्स्ट टाइप इज टाइम सीरीज ग्राफ को ही हम क्या कहते हैं? हिस्टोरीग्राम. एवरीबॉडी राइट. और बाद में हमको पढ़ना है ग्राफ्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. तो टाइम सीरीज दिखानी है आपको सिर्फ कि अलग अलग टाइम पे 2001 2002 2003 2004, एक ही वेरिएबल का अलग अलग ईयर्स में कैसा था वो अगर आप दिखाना चाहते हो तो हम टाइम सीरीज ग्राफ हम यूज़ कर सकते हैं. हिस्टोरीग्राम दिया हुआ है, उसमें हमारे पास दो एसेंशियली है टाइम सीरीज में. पहला है लाइन ग्राफ, लाइन ये लाइन ग्राफ है, ऐसा ऐसा लाइन डायग्राम अलग था, ऊपर था वो ऐसा लाइन, ये लाइन ग्राफ है. और इसमें अगर आपको नेट बैलेंस दिखाना है, क्या दिखाना है? इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट या कॉस्ट रेवेन्यू, तो आप दिखा सकते हो नेट बैलेंस. क्या दिखा सकते हो? बोलेंगे नेट बैलेंस ग्राफ. ओके नेट बैलेंस ग्राफ नेक्स्ट आइए. बाद में हमारे पास है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ग्राफ्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. तो टाइम सीरीज ग्राफ, उसी को क्या बोलते हो? हिस्टोरीग्राम. अब हमारे पास सेकेंड देखना है क्या? ग्राफ्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन देखो, हमारे पास सबसे पहला है हिस्टोग्राम, जो मैंने आपको पहले दिखाया हुआ, ऐसा बार डायग्राम जैसा रहता है विदाउट स्पेस. यहाँ पे हमारे क्लासेस रहते हैं और यहाँ पे हमारी फ्रीक्वेंसी रहती है, ये डिफरेंस है. फ्रीक्वेंसी ग्राफ्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे हैं हम, तो कॉमन सेंस एक्स एक्सिस पे क्लासेस ही होनी चाहिए. बार डायग्राम में ऐसा नहीं है, बार डायग्राम किसी भी चीज़ का हो सकता है, आपकी हाइट का हो सकता है. तो वहाँ पे एक्स एक्सिस पे जो वेरिएबल है वो होता है. हिस्टोग्राम में एक्स एक्सिस पे हमेशा क्या होता है? क्लासेस से, बिकॉज हिस्टोग्राम इज अ टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ. ग्राफ ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आता ही है इन केसेस ऑफ क्लासेस. तो एक्स एक्सिस पे हमेशा क्लासेस ही रहती है, बट बार डायग्राम में कुछ भी हो सकता है, आपकी हाइट कुछ भी हो सकता है, ऐसा ना. तो हिस्टोग्राम के बारे में कहा गया है. ओके नेक्स्ट आगे आएंगे, हिस्टोग्राफ पढ़ेंगे. जब बच्चों हिस्टोग्राफ देखिए पेज नंबर 267 पे है, उसी को हिस्टोग्राफ को ही बोलते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन. तो जब मान लीजिए हिस्टोग्राम के जो बार से इन सबको अगर आप ऐसा लाइन से जोड़ दो और इसको पॉलीगॉन को आप वापस एक्सेस पे टच कर दो, एक्स एक्सेस पे, ये जो आया ये ग्राफ में अगर हटा दूँ तो ये जो बच गया इसको क्या बोलेंगे हम? हिस्टोग्राफ या फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन. और इसी को ऐसा स्ट्रेट लाइंस ना यूज करते हो, अगर आप स्मूथ कर्व से ड्रॉ करते हो, रिपीट, तो ये जो कर्व है इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी कर्व. नेक्स्ट पेज पे दिया 268. और बाद में लास्ट वाला देखो, एक और है हमारे पास. हमने एक देखा, वो कौन सा था? टाइम सीरीज. और दूसरा कौन सा है? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के. अब लास्ट वाला है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व या ओजीव कर्व. याद रखना ये जो ऐसा है इसको कौन सा कर्व बोलते हैं? स्टार्टिंग में ज़्यादा रहता है बाद में कम होता है, ये कौन सा है? स्टार्टिंग में ज़्यादा है बाद में कम होता है, ये कौन सा है? मोर देन. और स्टार्टिंग में कम और बढ़ते बढ़ते जाता है, मीडियन के केस में हम निकालते हैं मीडियन में, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन टाइप. स्टार्टिंग में कम रहता है बाद में बड़ा होता है, जो हम मीडियन के टाइम पे निकालते हैं.
ऐड करते जाते फ्रीक्वेंसीज को, तो स्टार्टिंग में कम लास्ट में ज़्यादा, लेस देन टाइप फ्रीक्वेंसी का स्टार्टिंग में ज़्यादा बाद में कम, बोलो बोलो मोर देन टाइप, कौन सा टाइप रहेगा? ओके, और ये दोनों जहाँ मिलेंगे उसको क्या बोलेंगे? मीडियन। एक और तरीका पूछो, स्कैटर डायग्राम हम जानते हैं, कोरिलेशन रिग्रेशन हमने देखा था, ये कौन सा कोरिलेशन है? पॉजिटिव। ये कौन सा है? और मान लो ऐसा सा है तो नो रिलेशन या नो लीनियर रिलेशन, देयर मे बी कर्वी लीनियर। ओके, इसके बाद में हमारे पास चैप्टर है किसका? मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। उसके बाद में हमको पढ़ना है डिस्पर्शन, क्या पढ़ना है? पहले एवरेज ध्यान से ना, पेज नंबर 271 पे दिया है, एवरेज कैन बी व्हाट? मैथमेटिकल एवरेज और पोजिशनल एवरेज। मैथमेटिकल एवरेज में कौन कौन आता है? अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, ये मैथमेटिकल वैल्यूज डिनोट करते हैं, इनके पास मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज होते हैं। ये सुनो, अरे ये सुनो, और वही अगर हम किसकी बात करें, किसकी बात करें? पोजिशनल एवरेजेस की, बोल गया। तो इसमें पोजिशन वाइज ये सेंट्रल रहते हैं, मीडियन, मोड, क्वार्टाइल्स, डेसाइल्स, परसेंटाइल्स। इनके फॉर्मूले अगर हमको याद करने हो, इस पर यूजुअली न्यूमेरिकल्स नहीं आते। सो अगर मुझे एवरेज निकालना है मीन, तो मीन का फॉर्मूला रहता है समेशन एक्स अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, और अगर फ्रीक्वेंसी दिए तो समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ। समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी को ही कैपिटल एन से भी दिखाते हैं। मीडियन अगर मान लीजिए अनग्रुप्ड डेटा है तो बाय ऑब्जर्वेशन निकलता है, पर याद रहे मीडियन निकालने के लिए पहले असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में निकालना पड़ता है। बीच में अगर दो नंबर्स आ गए तो उन दोनों का अरिथमेटिक मीन लेना रहता है, वो मीडियन बनता है। यस नो राइट? मीडियन का फॉर्मूला फॉर ग्रुप्ड हमको लर्न करना है, राइट? वैसे ही मोड का फॉर्मूला, मोड भी बाय ऑब्जर्वेशन निकलता है। व्हाट इज मोड? व्हाट इज मोड? द नंबर हैविंग मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज मोड, है ना? मोड एक से ज़्यादा भी हो सकता है, दो नंबर पाँच पाँच बार आए तो दोनों मोड बन गए। वैसे मीडियन और मीन का नहीं है, मीन एंड मीडियन आर रिजिडली डिफाइंड। मीन एंड मीडियन आर, मीन एक ही आएगा, मीडियन एक ही आएगा, दो आए तो हम उसका एवरेज ले लेते। क्या लेते? एवरेज। एवरीबॉडी? हाँ सर। ओके, तो ये हो गया हमारा किसका डेफिनेशन, बोलो बोलो। सर ये हमने देख लिया मेरिट, मीन और मीडियन का मेरिट ये है कि वो रिजिडली डिफाइंड है। कैसे? जबकि मोड क्या है? नॉट रिजिडली डिफाइंड, इट कैन बी यूनिमोडल, इट कैन बी बाय मोडल, देर कैन इवन बी देर इज नो मोड, सब नंबर्स एक एक बार आए, नो वन इज मोड, तो मोड इज नॉट रिजिडली डिफाइंड। ओके, तो मोड भी बाय ऑब्जर्वेशन निकलता है, नंबर आई मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, और फॉर्मूला भी उसका है, फॉर्मूला आपने पढ़ लेना है। ओके, अब फॉर्मूला में बोलना नहीं चाहता क्योंकि अलग अलग लोग उसको अलग अलग डिनोशन से यूज़ करते हैं। डिनोशन जो है एफ एम फ्रीक्वेंसी ऑफ मिड एंड क्लास, कोई एफ माइनस वन लिखता है फ्रीक्वेंसी ऑफ प्री मॉडल क्लास, पोस्ट मॉडल क्लास, अपने जैसे पढ़ा वैसा डेफिनेशन पढ़ लीजिएगा। ओके, कोई कॉन्सेप्ट नहीं उसमें। डेफिनेशन इसमें आंसर निकालने के लिए मोड का फॉर ग्रुप्ड, मीडियन का फॉर ग्रुप्ड बहुत कम चांसेस आएंगे। जो आएंगे वो है उनके प्रॉपर्टीज़, क्या उनके प्रॉपर्टीज। सो पेज नंबर अगर आप पेज नंबर अगर आप 275 देखते हैं तो उसमें प्रॉपर्टीज देखे रखे मीन के, वैसे हमको मीडियन और मोड के भी पढ़ने हैं। याद रखना प्रॉपर्टी क्या दिया है, सम ऑफ डेविएशंस व्हेन टेकन फ्रॉम मीन इज जीरो, याद रखना आपने सम ऑफ डेविएशन। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन, अगर आपने सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन दिया तो दैट इज टेकन फ्रॉम मीन इज मीडियन मिनिमम। अरिथमेटिक मीन के पास मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज है, इसलिए कंबाइंड मीन निकालने का फॉर्मूला है एन वन एक्स वन बार प्लस एन टू एक्स टू बार अपॉन एन वन प्लस एन टू। कंबाइंड मीन के हमने इलस्ट्रेशन देखे थे। साथ साथ में एक प्रॉपर्टी है जो सबको एप्लीकेबल है, मीन मिडन मोड को कॉमनली एप्लीकेबल है और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ऑल मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आर अफेक्टेड बाय बोथ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल, दोनों से फर्क पड़ता है। चेंज ऑफ ओरिजिन मतलब कोई तो कॉन्स्टेंट नंबर एक तो ऐड करना या लेस करना, चेंज ऑफ स्केल मतलब एक कॉन्स्टेंट नंबर सब ऑब्जर्वेशंस में एक तो मल्टीप्लाई करना या डिवाइड करना। तो ऑल द व्हाट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आर अफेक्टेड बाय बोथ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल। तो इसका मतलब क्या बनता है कि आपके पास मान लीजिए एक
एक्स सीरीज था, मान लीजिए आप सबका वेट यहाँ पे 40 किलो, 50 किलो, 60 किलो, 70 किलो, 80 किलो, और मान लीजिए सबके वेट मान लो 20-20 किलो से बढ़ गए, एग्जांपल है, सबका 20 से बढ़ा ना, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, मालूम है अपने एक नया सीरीज आ गया अभी वाई, आपके सबके नए वेट्स आ गए, उसको मैं वाई बोलता हूँ, तो वाई कैसे आ गया, एक्स में 20 ऐड हो गया, एक्स में, तो कोई दिक्कत नहीं, वाई बार अगर आपको निकालना है, इस नए सीरीज का एवरेज निकालना है, तो जो भी एक्स बार था उसमें भी क्या कर देना, 20 ऐड करना, तो इन सबका एवरेज क्या था, 40, 50, 60, 70 का 60, तो वाई बार भी क्या आएगा, 60 प्लस 20, 80, तो वाई सीरीज का रेडीमेड एवरेज आ गया 80, बिना कोई फॉर्मूला यूज किए, क्लियर का सभी के लिए, क्लियर का सभी के लिए, यस नो, ओके एवरीबॉडी, सो क्या पढ़ा रहा हूं मैं, कि अगर मान लीजिए आपका ऐसा इक्वेशन है कि y इज इक्वल टू, क्वेश्चन में ऐसा दिया है 3x प्लस या 3x माइनस 5, तो y बार विल बी 3 टाइम्स x बार माइनस 5, एवरीबॉडी, तो अगर तुम्हारे पास x का मीन है ना, तो y का मीन रेडीमेड निकल सकता है बिना कोई समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ वगैरह वाले फॉर्मूले यूज कर कर, डायरेक्टली इसमें डाल दो, यस नो, समझ में आ रहा है, ओके, तो ये एक प्रॉपर्टी है, बाद में याद रखना एक डीमेरिट भी है, मीन इज अफेक्टेड द मोस्ट बाय एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन, बाय मीन कैन नॉट बी कैलकुलेट फॉर ओपन एंड क्लासेस, अगर कोई क्लास ओपन एंड है तो मीन कैसे निकालोगे उसका, एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन से तो मीन पे बहुत इंपैक्ट पड़ता है, पर ये मिडन के एडवांटेजेस में आता है, मिडन कैन बी कैलकुलेट इवन इफ द क्लास आर, डैश इज बेस्ट फॉर ओपन एंड क्लासेस, मीडियन डैश इज अफेक्टेड द लीस्ट बाय एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस, मीडियन, बिकॉज मीडियन डिपेंड्स अपॉन 50% ऑफ द सेंट्रल ऑब्जर्वेशंस, 50% सेंट्रल ऑब्जर्वेशंस है ना, उन्हीं पे मीडियन डिपेंड करता है, मीडियन सेंटर में आता है ना, तो एकदम एक्सट्रीम्स पे क्या है उसका मीडियन पे कोई इंपैक्ट ही नहीं पड़ता, बट मीन इज अफेक्टेड अ लॉट बाय सैम्पलिंग फ्लक्चुएशंस, मीन सब पे डिपेंड करता है, आपका एवरेज वेट निकालना है ना, हर एक बच्चे का वेट लेना पड़ेगा, मिडन के लिए जरूरी नहीं, मिडन में बीच में कौन आता है देख लो, बाजू में कौन है कोई लेन देन नहीं, आ रहा है क्या समझ में, ये मैंने देखा था, मोड का फॉर्मूला, मोड का एडवांटेज मेरिट क्या है, इट इज मोस्ट पॉपुलर, इट इज मोस्ट बट डैश इज द बेस्ट मेथड, मीन, मीन इज द बेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, बट डैश इज मोस्ट पॉपुलर, मोड इज मोस्ट पॉपुलर, इसका मेरिट रहेगा, प्लस मिडन और मोड का एक और मेरिट है, दे कैन बी फॉर समटाइम्स कैलकुलेटेड बाय ऑब्जर्वेशन, बाय ऑब्जर्वेशन देख कर ही आंखों से निकलता है, ये सुनो, आंखों से निकल जाता है, इवन समटाइम्स मीडियन एंड मोड कैन इवन बी लोकेटेड ग्राफिकली, बट मीन कैन नॉट बी लोकेटेड ग्राफिकली, ये सुनो, मीन निकालना पड़ता है फॉर्मूला से, जैसे कुछ इलस्ट्रेशन हमने देखे थे बहुत सारे, इलस्ट्रेशन ज़्यादा थ्योरी बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछी जाती है, ओके, वॉट इज मीडियन, मीडियन डिवाइड्स द डेटा, 50% ऑफ डेटा इज यूजअली लेस देन और इक्वल टू मीडियन, एंड अदर बैलेंस 50% इज यूजअली मोर देन और इक्वल टू, मीडियन होते कितने, मीडियन होते कितने, एक, और डिवाइड करते डेटा को कितने पार्ट्स में, दो, वैसे ही डेसाइल्स, डेसाइल्स होते कितने, नो, वो डेटा को डिवाइड करते कितने पार्ट में, दस, देखो मीडियन, देखो ये मीडियन है, ये मिडन है, देखो ये दो उंगलियों को जो बीच में बरोबर जो दो इसमें बांट दे, तो दो उंगलियों के बीच में जगह कितनी है, एक, तो ये बीच वाली जगह जो है वो मिडन है, उसने दो डेटा को बांट दिया, वही अगर मान लीजिए ये चार टुकड़े हो गए, देखो चार टुकड़े, टुकड़े चार हो गए लेकिन बीच में गैप कितने हैं, तीन, वैसे दस टुकड़े करने हैं तो बीच में गैप कितने होंगे, नो, सो डेसाइल्स होते कितने, नो, और कितने इसमें बांटते हैं डेटा को, परसेंटाइल्स होते कितने, परसेंटाइल्स 99, वो डेटा को बांटते कितने हिस्सों में, 100, ओके, तो थ्योरी वाला पार्ट ज़्यादा है इसमें, ये जो है पेज नंबर 287 पे, वो सबसे इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में प्रिंट हो चुका है बच्चों, कई बार एग्जाम है, रिलेशनशिप बिटवीन मीन मिडन एंड मोड, क्या रिलेशनशिप है, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, तो क्वेश्चन में आपको मिडन और मीन दे देंगे, बोलेंगे मोड निकालो, या क्वेश्चन में आपको मोड दे देंगे, मिडन दे देंगे, बोलेंगे मीन निकालो, सिंपल मैथ्स इक्वेशन सॉल्व करके निकालना है, ए इसी को लिखने का और तरीका भी है, ये माइनस सीधे रखे प्लस होगा, ऐसा भी लिख सकते हैं, टू मीन इज इक्वल टू
3 मीडियन माइनस एक ही बात है, आपको तीन ऑप्शन देंगे और हो सकता है तीनों ऑप्शन का एक ही मीनिंग हो। जैसे इसी को मैं एक और तरीके से लिख सकता हूँ, मीन इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस मोड अपॉन 2। ये डिवीजन इधर आ गया, मल्टीप्लिकेशन इधर आ गया, डिवीजन। और डी ऑप्शन रहेगा ऑल द अबव, तो ऑल द थ्री आर एक्सप्रेसिंग द सेम थिंग। एवरीबॉडी यस ओके। तो बाद में जो नीचे बेल शेप दिया है पेज नंबर 287 में, आपको कोई उसको डरने की जरूरत नहीं, बेल शेप देके रखा उन्होंने, वो कोई नहीं। यूजुअली एक फेयर डेटा अगर आप लो तो यूजुअली मीन के आजू बाजू में हाईएस्ट डेटा होता है, एवरेज के आसपास वाले लोग बहुत है, एक्सट्रीम्स वाले लोग बहुत कम है। बहुत ही ज़्यादा हाइट और बहुत ही कम हाइट वाले लोग बहुत कम है, लेकिन एवरेज के आजू बाजू वाले लोग बहुत ज़्यादा है, ये वो बेल शेप दिखाता है। अरे बड़ी ओके। इसके बाद में ये चैप्टर कंप्लीट होके शुरू होता है मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। रिपीट, क्या शुरू होता है बोलेंगे सभी? मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। तो मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन में हमारे पास क्या क्या है? हाँ, तो हमारे पास है रेंज, स्टैंडर्ड डिवीशन, क्वार्टाइल डिवीशन, मीन डिवीशन वगैरह, राइट। तो रेंज, अगर रेंज मान लीजिए हाँ अनग्रुप डेटा है, तो बस लार्जेस्ट नंबर माइनस स्मॉलेस्ट नंबर। एवरीबॉडी, ये एब्सोल्यूट तरीके से निकालना था। अगर कोएफिशिएंट ऑफ रेंज निकालना है, ये रेंज का फॉर्मूला, कोएफिशिएंट निकालना है तो लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट अपॉन लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट। मीन डेविएशन का फॉर्मूला है समेशन ऑफ डेविएशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। डेविएशन के साथ है एक्स माइनस, सारे एक्स में से एक्स बार माइनस करो, सारे एक्स मतलब ऑब्जर्वेशंस में से एक्स बार दैट इज एवरेज माइनस करो, डी आएगा, समेशन ऑफ डी अपॉन एन। ये सुनो, अरे ये सुनो, ये हो गया मीन डेविएशन। फ्रीक्वेंसी दिया है तो समेशन ऑफ, हमेशा फ्रीक्वेंसी आई ना तो एक्स के आगे एफ आता है, समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ, ऐसा हो जाएगा। समेशन एफ डी अपॉन कैपिटल एन, समेशन एफ बोले कैपिटल एन, एक ही बात है। लो भैया, अगर कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन चाहिए, क्या चाहिए? तो फॉर्मूला क्या रहेगा? मीन डेविएशन अपॉन एक्स बार इंटू 100। अब ये इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन मैंने ऐसा देके रखते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन इज 2 एंड मीन इज 50, फाइंड द मीन डेविएशन। कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन का फॉर्मूला क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन का फॉर्मूला क्या है? मीन डेविएशन अपॉन एक्स बार इंटू 100। कितने से भटका ये मत देखो, कौन किस में से कितना बना, एक्स बार इज द एवरेज, उस एवरेज में इतना ऑन एन एवरेज डिस्पर्शन है, तो कोएफिशिएंट मीन डेविएशन अपॉन एक्स बार, बोल के रखा है इट इज 20, बोल के रखा है इट इज 20 इज 2, एवरेज देके रखा है एवरेज इज 60। कैन यू फाइंड मीन डेविएशन? यस, ये एवरेज इधर है, अगर एवरेज 60 है तो मीन डेविएशन अपॉन 60 दो होना चाहिए। आपको मीन डेविएशन दिया है, आपको एवरेज भी दिया है, तो बचा क्या? मीन डेविएशन इज इक्वल टू क्या? 120। इतना सिंपल एमसीक्यू आता है, इतना सिंपल। कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन इज 2, एवरेज इज 60, फाइंड मीन डेविएशन। फॉर्मूला पता होना चाहिए लेकिन, वैसे स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या रहेगा? 100 एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर अपॉन एन, फ्रीक्वेंसी है तो समेशन एफ इंटू एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर अपॉन कैपिटल एन, समेशन एफ, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला। कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन क्या रहेगा? स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन एक्स बार इंटू 100। क्वेश्चन में दे देते कि कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इज 3, एक्स बार इज 100 या एवरेज इज 100, फाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा? 300। एवरीबॉडी यस, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन में, अच्छा कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है बोलते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन को क्या बोलते हैं? पेज नंबर 290 पे देखो, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। एक रहता है वेरियंस, बच्चों वेरियंस अलग रहता है। वेरियंस का फॉर्मूला क्या है? जो स्टैंडर्ड डेविएशन है उसका स्क्वायर ले लो, या उसको सिग्मा का स्क्वायर बोलते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन को सिग्मा बोलते हैं, सिग्मा का स्क्वायर इज वेरियंस, इज वेरियंस। आर डन? स्टैंडर्ड डेविएशन का एक शॉर्टकट फॉर्मूला भी लिखवाया था आपको क्लास में, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन जितना कम उतना कंसिस्टेंट डेटा, उतना
पेज नंबर 297 पे देखो, एक ब्रांड है जिसमें स्टैंडर्ड डेविएशन 100 का है ब्रांड वन में, पर उसने एवरेज कितना था उसका 800। ब्रांड टू देखो, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन 60 का है पर उसका एवरेज कितना था 770। तो स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन एक्स बार करने का कोएफिशिएंट निकालेगा, कौन कितना भटका ये मत देखो किसमें से भटका वो देखो, ऐसा ना हो तो 800 में 100 की गलती और 770 में 60 की गलती सिर्फ। अरे बड़ी परसेंटेज निकालने का, जैसे फर्स्ट वाले का परसेंट ज़्यादा 12.5% का डिस्पर्शन, यहाँ पे 7.79, क्योंकि यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन कम है, मतलब दिस इज मोर कंसिस्टेंट। This is more consistent. क्लियर है सभी के लिए? जल्दी बोलेंगे हाँ। ओके आगे बढ़े नेक्स्ट। बाद में एक बाय वेरिएट एनालिसिस देके रखा है। बाय वेरिएट मतलब एक टाइम पे, जैसे मान लीजिए मैंने बोला एक टाइम पे दो कंडीशन आप सेटिस्फाई करते हो, जैसे मान लीजिए मैंने ऐसा लिखा यहाँ पे स्टैट्स के मार्क्स है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, और यहाँ पे मैथ्स के मार्क्स है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30। तो यहाँ पे दो बच्चे, इसका मीनिंग है दो बच्चे जिनको स्टैट्स में भी 0 से 10 के बीच में और मैथ्स में भी 0 से 10 के बीच में, लेकिन यहाँ पे अगर दो लिखो तो इसका मीनिंग क्या निकलता है, दो बच्चे जिनको स्टैट्स में तो 0 से 10 है लेकिन मैथ्स में 10 से 20 के बीच में, यहाँ पे वो दो लिख दिया तो इसका मीनिंग बदलता है, स्टैट्स में इनको 0 से 10 के बीच में लेकिन मैथ्स में इनको 20 से 30 के बीच। तो ये एक एक जो यहाँ पे आपने लिखे है नंबर्स, फ्रिक्वेंसी लिखी है, इट इज सेटिस्फाइंग टू कंडीशंस एट द सेम टाइम, हेंस दे आर कॉल्ड एज बायवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलेंगे बच्चों? बोलेंगे सभी बायवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर है सभी के लिए? अरे जल्दी बोलेंगे यस। ओके तो बच्चों इसके बाद में कोवेरिएंस का हमने फॉर्मूला देखा था। बच्चों कोवेरिएंस का फॉर्मूला आपको याद है क्या है? समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार अपॉन एक्स, मतलब वो जो दिया रहता है 10, 20, 30 सबका, y मतलब वो भी दिया था 50, 60, 70, इन सबका एवरेज निकालने का, दैट इज x बार है ना, और हर x में से x बार माइनस करने का, हर x में से x बार, उसको dx बोलेंगे, डिफरेंस इन x। वैसे y है उसका एवरेज निकालो y बार, हर y में से y बार माइनस करो dy, कोवेरिएंस आएगा x माइनस x बार, समेशन ऑफ x माइनस x बार इंटू y माइनस y बार अपॉन n। बाद में कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन दिया है, क्या दिया? तो कोरिलेशन और रिग्रेशन इस चैप्टर में हम कोरिलेशन में हम देखते हैं कि रिलेशन है या नहीं, और रिग्रेशन में अगर रिलेशन है तो क्या टाइप का रिलेशन है वो हम इक्वेशन बनाते हैं। रिग्रेशन का इक्वेशन बनाना सीएस के सिलेबस में नहीं है, सिर्फ कोरिलेशन है नहीं चेक करना है। तो उसके पहले हम आगे बढ़े, उसमें टाइप्स ऑफ कोरिलेशन पेज नंबर 300 पे दिया है। कोरिलेशन कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव रिलेशनशिप मतलब सेम डायरेक्शन, जैसे सप्लाई और प्राइस, और नेगेटिव कोरिलेशन मतलब प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, लॉ ऑफ डिमांड, इनवर्स रिलेशनशिप। वैसे हो सकता है सिंपल और मल्टीपल कोरिलेशन, सिंपल एंड मल्टीपल कोरिलेशन, कभी कभी एक सिंपल रिलेशनशिप रहता है दो वेरिएबल्स के बीच में, कभी कभी दो वेरिएबल्स एक दूसरे के ऊपर मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेस से डिपेंडेंट है, उसको बोलते हैं मल्टीपल कोरिलेशन। और बाद में कभी लीनियर रिलेशनशिप रहता है, कभी नॉन लीनियर। जैसे मान लीजिए दो वेरिएबल्स, जैसे प्राइस एंड डिमांड, डिमांड का अगर सप्लाई का मान लो ऐसा है तो बोलेंगे लीनियर रिलेशनशिप, वही सप्लाई का मान लीजिए कर्व्ड है तो कर्वी लीनियर रिलेशनशिप, कि प्राइस और सप्लाई में रिलेशनशिप है बट कर्वी लीनियर। रिपीट ओके। अरे सुनो ओके, अभी अगर हमको कोरिलेशन पढ़ना है बच्चों तो हमारे पास तीन मेथड, एक है स्कैटर डायग्राम मेथड, दूसरा है कार्ल पियर्सन और स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन। तो सीएस के सिलेबस में तीन ही मेथड है। स्कैटर डायग्राम हमको पता है ऑलरेडी, मैंने थोड़े पहले भी डिस्कस किया। स्कैटर डायग्राम में हमको आर की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलती, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलती, सिर्फ नेचर समझ में आता है। क्या समझ में आता है? बाद में हमारे पास कार्ल पियर्सन एंड स्पीयरमैन का मेथड है। कार्ल पियर्सन का फॉर्मूला हम सबको पेज नंबर 2303 पे दिखेगा, वो फॉर्मूला आपको लर्न करके आना है, एग्जाम में नहीं आएगा, सॉल्व करना है। फॉर्मूला भी नहीं आएगा पर फिर भी पढ़ के आओ, याद रखा ये सुनो। और बाद में क्या है? स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन। स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन में हम क्या देते? रैंक देते। अरे सुनो, और स्पीयरमैन का फॉर्मूला भी आपको पढ़ के आना है, पेज नंबर 305 पे देके रखा हुआ है। 1 - 6 समेशन डी स्क्वायर अपॉन एन इंटू, वेर डी स्टैंड्स फॉर डिफरेंस इन रैंक्स, डी स्टैंड्स फॉर, इस तरह से चैप्टर नंबर 8 आपका कंप्लीट होता है। चैप्टर नंबर 9 में अगर आप आते हो मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट,
इसमें मुझे नहीं लगता कुछ पढ़ाने जैसा है. याद रखना आपको ये चैप्टर पेपर पे कम और कैलकुलेटर पे ज़्यादा सॉल्व होता है. सिंबल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट आपको निकालते आना चाहिए. इसमें एन्युटी विन्युटी एक रहता है. एन्युटी की जो थ्योरी है वो थोड़ी काम की है, तो वो एन्युटी की थ्योरी जो है ये हम फटाफट से पढ़ लेते हैं. टाइप्स ऑफ एन्युटी में, टाइप्स ऑफ एन्युटी में देखिएगा, एक रहता है एन्युटी सर्टन. एन्युटी पेबल फॉर अ फिक्स नंबर ऑफ इंटरवल्स, फिक्स नंबर ऑफ इंटरवल्स एग्जाम में आएगा. उसको बोलेंगे सर्टन है कि एन्युटी कब तक भरना है. इट्स सर्टन, 10 बार, अगले 10 साल, अगले 50 साल, अगले 20 साल, कुछ भी हो लेकिन सर्टन है. कुछ भी हो लेकिन सर्टन है कितने सालों तक भरना है. बाद में है कंटिंजेंट एन्युटी. तो ये एन्युटी जो है इट्स पेमेंट, द पेमेंट ऑफ सच काइंड ऑफ एन्युटी डिपेंड्स अपॉन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग, इसलिए कंटिंजेंट बोलते हैं उसको. एक है परपेचुअल एन्युटी, ऐसे परपेचुअली बोलते हैं. एक ऐसी एन्युटी जो फॉरएवर टाइप की है, बोल गया फॉरएवर, इन्फिनिट डेज तक भरना ही है. बाद में इमीडिएट एन्युटी, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों. इमीडिएट मतलब क्या, या इसे बोलते हैं ऑर्डिनरी एन्युटी. आपके बुक्स में इसको ऑर्डिनरी बोलते हैं बच्चों. अलग बुक्स में अलग लिखा है, आप सीएस के बुक में क्या लिखा है वही पढ़ के आना सीएस के एग्जाम में. सो इमीडिएट और ऑर्डिनरी मतलब क्या, व्हेन द एन्युटी इज पेड एट द एंड. और एक है एन्युटी ड्यू, एक क्या है, व्हेन द एन्युटी इज पेड और रिसीव्ड एट द बिगिनिंग. जैसे ही ड्यू हो गया पे करने का, इमीजिएटली एट द एंड ऑफ द टर्म, ऐसे बोलते हैं ऑर्डिनरी एन्युटी. ऑर्डिनरी क्लियर का सभी के लिए, एन्युटी ड्यू. बाद में है डेफर्ड एन्युटी, बोल क्या, याद रखना बच्चों सीएस के एग्जाम में पेज नंबर 318 पे हमें थ्योरी क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं. प्रैक्टिकल में भी फॉर्मूले ज़्यादा पूछेंगे या प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन आएगा. पूरा मोड निकालो, पूरा कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालो. एक मिनट में निकालना वो बहुत मुश्किल रहता है, इसलिए इंस्टीट्यूट भी समझती है. ऐसे 5-5, 10-10 मार्क के क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में फ्रेम कर नहीं पूछे जाएंगे. जो प्रॉपर्टीज़ है वो पूछे जाएंगे, रैंकिंग दो या मीन की प्रॉपर्टी पूछेंगे, सम ऑफ डेविएशंस क्या रहते हैं वगैरह, चेंज ऑफ ओरिजिन, चेंज ऑफ स्केल, इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं. तो थ्योरी पे आप ज़्यादा फोकस कीजिए. तो इसलिए कंप्लीटली मैं मॉडल रीडिंग ले रहा हूँ एक बार कि एग्जाम में इस पर ज़्यादा फोकस करना है. डेफर्ड एन्युटी क्या है, पेमेंट स्टार्ट ओनली आफ्टर अ स्पेसिफिक, अंडरलाइन करना, ओनली आफ्टर अ स्पेसिफिक और सर्टन स्पेसिफाइड पीरियड. आफ्टर, सो मान लीजिए आफ्टर 10 ईयर्स, वंस यू रीच 18, आफ्टर 18 ये होगा, आफ्टर यू टर्न मेजर ये होगा. तो इट्स कॉल्ड एज डेफर्ड एन्युटी. कि मान लीजिए जब तक आप 18 के नहीं होते, आपके प्रीमियम आपके मम्मी पापा भरेंगे. आप 18 के हो गए तो वही आपके लाइफ इंश्योरेंस के प्रीमियम आपको भरने हैं, तो आपके लिए वो डेफर्ड एन्युटी है. आगे फॉरबॉर्न एन्युटी क्या रहता है, एन्युटी विच इज लेफ्ट अनपेड फॉर अ सर्टन नंबर ऑफ ईयर्स. है नीचे बोलिए सर, जोर से बोलिए, कौन सी, एक बार हो जाए, एक बार हो जाए सर लेक्चर, मैं नीचे लेक्चर पूछूँ, सब हो जाए करने की पार्टी. वो जो देख कौन सा बोलिए, फॉरबॉर्न एन्युटी मतलब क्या, विच इज लेफ्ट, जल्दी बोलो, विच इज लेफ्ट वॉट, अनपेड फॉर अ सर्टन नंबर ऑफ टाइम. इसके बाद देखिए पीरियोडिक पेमेंट या यूनिफॉर्म एन्युटी या वेरिएबल एन्युटी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखना. पीरियोडिक बोला, क्या बोला, व्हाट डू मीन बाय दैट पीरियोडिक, हाँ पीरियोडिक हो, या इसका दूसरा नाम क्या रहेगा आपका, यूनिफॉर्म, या इसका क्या नाम रहेगा, वेरिएबल. तो यह अंडरलाइन करना उसका सेकेंड लाइन, सेकेंड अंडरलाइन करना, राइट. द अमाउंट ऑफ ईच पेमेंट ऑफ एन्युटी इज कॉल्ड पीरियोडिक और पीरियोडिक रेंट. इफ द पीरियोडिक पेमेंट्स आर इक्वल द एन्युटी इज कॉल्ड एज लेवल और यूनिफॉर्म. तो अगर अमाउंट जो आप हर बार पे करते हो उस एन्युटी में सेम है तो उसको कहेंगे यूनिफॉर्म. जब सभी सेम कपड़े पहनते तो बोलते कि नहीं यूनिफॉर्म. वैसे अगर सेम अमाउंट है हर बार तो क्या कहेंगे बच्चों, उसको यूनिफॉर्म एन्युटी, ओके. या और अगर मान लीजिए अलग अलग अमाउंट है हर बार तो उसको क्या बोलेंगे, वेरिएबल एन्युटी. क्या बोलेंगे बच्चों, वेरिएबल एन्युटी. बाद में टर्म ऑफ एन्युटी मतलब एन्युटी कितने टाइप की है, कितने टाइप की, फ्यूचर वैल्यू एंड प्रेजेंट वैल्यू. आज की एन्युटी की कल की वैल्यू इज फ्यूचर, फ्यूचर में आने वाले पेमेंट्स का आज की वैल्यू हम निकालते तो हमने क्या कहा था, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी. ये सुनो, ये आपको कहीं ना कहीं सिंकिंग फंड मेथड वगैरह आप जब देखोगे शायद डिप्रेशन वगैरह में, वहाँ पे भी निकालने की जरूरत पड़ सकती है. अगर आपको निकालना है तो प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू से हो सकता है. आइए जल्दी नेक्स्ट वाले चैप्टर पे आएंगे, दैट इज प्रोबेबिलिटी. क्विक रिविजन, प्रोबेबिलिटी दुनिया का सबसे बेहतरीन चैप्टर प्रोबेबिलिटी. याद रखना प्रोबेबिलिटी के आपके बुक्स में दिए हुए उन्होंने 3 फॉर्मूले, आपको एक ही फॉर्मूला याद रखना है, राइट. अपना डायरेक्टली वाइब्रेनियम फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू व्हाट, बोलो बोलो बोलो, फेवरेबल अपॉन टोटल. इतना ही पढ़िए और कोई भी फॉर्मूला इसका नहीं,
इस फॉर्मूले से आपके सारे आंसर्स आ जाएंगे, राइट। फ्रॉड से क्योंकि प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी में कुछ पहले बेसिक कॉन्सेप्ट है, अगर आपको याद हो बच्चों मेरा ये वाला डायग्राम फोकस करना, ये है प्रोबेबिलिटी चैप्टर। लोगों को बहुत टफ जाता, समझ में नहीं आता कि डिफरेंस क्या है, याद रखना। एक चैप्टर जिसका नाम है सेट्स एंड फंक्शंस, बोल गया सेट्स, बाद में ये सेट थियोरी जो है ये प्रोबेबिलिटी नहीं है, ये प्रोबेबिलिटी पढ़ने के लिए लगने वाली थियोरी है, ये प्रोबेबिलिटी पढ़ने के लिए बोलो बोलो लगने वाली थियोरी है। तो अगर मैं सेट थ्योरी पढ़ रहा हूँ, दैट इज वो प्रोबेबिलिटी को लगने के लिए है। मान लीजिए मैं बाइनोमियल थ्योरम पढ़ रहा हूँ, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहा हूँ, बाइनोमियल थ्योरम पढ़ रहा हूँ, बाइनोमियल थ्योरम इज नॉट प्रोबेबिलिटी, इट इज काइंड यूज टू कैलकुलेट व्हाट प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का एक ही फॉर्मूला है, प्रोबेबिलिटी चैप्टर खत्म करना है, ये लो ये फॉर्मूला फेवरल अपॉन रूल। सर फिर ये चैप्टर इतना बड़ा दिखता ही क्यों है? क्योंकि एक्चुअली प्रोबेबिलिटी तक पहुँचने के लिए हमको इन चीज़ों की जरूरत पड़ती है, जैसे सेट थ्योरी, बाइनोमियल, पॉइसन। फॉर्चुनेटली आपने सिलेबस में बाइनोमियल और पॉइसन नहीं है। सेट थ्योरी से बच्चों शुरू करते हैं, कुछ डेफिनेशंस रहेंगे। जैसे सबसे पहले सेट का डेफिनेशन क्या रहता है, एकदम सुपर फास्ट डेफिनेशन है, एक मिनट के लिए नजर हटी दुर्घटना घटी। चलिए सेट थ्योरी, सेट हम जानते हैं, सेट इज व्हाट, अ कलेक्शन ऑफ वेल डिस्टिंक्ट एंड वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट सबसेट, मतलब हम जानते हैं व्हाट इज सबसेट। हाँ तो इफ दो एलिमेंट्स, तो ए का सबसेट क्या रहता है हमको मालूम है, अरे सुनो। उसके बाद देखिए इक्वल सेट्स, व्हाट डू यू मीन बाय इक्वल सेट्स, इन दो वर्ड में डिफरेंस समझना। एक है इक्वल सेट्स और दूसरा कौन सा है, इक्विवेलेंट सेट। इक्वल सेट्स मतलब क्या बच्चों, डिट्टो। जैसे ए में है 1 2 3, ए में है 1 2 3, बी में भी है 1 2 3, तो ही बोलना ए एंड बी आर इक्वल, इक्विवेलेंट। ए में है 1 2 3, बी में है 4 5 6, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर सेम, एलिमेंट्स आर नॉट सेम, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर सेम, दे आर कॉल्ड एज इक्विवेलेंट सेट। एक रहता है नल सेट और एम्प्टी सेट, नल सेट एम्प्टी सेट। नल सेट मतलब कि उसको ऐसे दिखा सकते हैं, एक तो हवा, नहीं तो उसको फाय दिखाओ, क्या दिखाओ, फाय। ऐसा दोनों मत दिखाना है, ये भी और फाय, या इसमें बीच में जीरो लिख दिया कि कुछ भी नहीं, अरे जीरो नहीं लिखने का, जीरो इज ऑल्सो एन एलिमेंट। जीरो लिख दोगे तो एक सिंगलटन सेट बन जाएगा, एक एलिमेंट है उसमें। तो नल सेट, एक तो हवा दिखाओ, उसका कुछ भी नहीं अंदर, हवा, नहीं तो फाय। डिसजॉइंट सेट्स, सेट्स हैविंग नो एलिमेंट इन कॉमन, सेट्स हैविंग नो एलिमेंट इन कॉमन आर कॉल्ड एज डिसजॉइंट सेट्स। यूनियन हम जानते हैं, ए यूनियन बी का डेफिनेशन क्या, दोज एलिमेंट्स विच आर इन ए और इन बी और इन बोथ, ऐसे जो ए में भी है, बी में भी है, या दोनों में है, एक तो ए में है, नहीं तो बी में है, नहीं तो दोनों में है। इसका फॉर्मूला क्या है, एन ऑफ ए यूनियन बी, बोलो क्या, जोड़ो एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। वही अगर आप प्रोबेबिलिटी डाल दोगे तो आप प्रोबेबिलिटी भी चल जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन। प्रोबेबिलिटी लिखोगे तो प्रोबेबिलिटी, एन लिखोगे तो एन। हम ये माइनस क्यों करते हैं एक बार, कि ये एलिमेंट्स ए एंड बी, बोल क्या, ये एलिमेंट्स ए एंड बी, वो ए में भी और बोलो ए में भी और बी में भी, क्योंकि वो ए में भी है और बी में भी है, तो दो बार काउंट हो गए, इसलिए हम एक बार उसको माइनस करते हैं। यस नो ओके आगे इंटरसेक्शन में देखा जाता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, हम जानते हैं व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट, ओके। डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स, ए माइनस बी क्या रहता है, ए माइनस बी मतलब क्या, ओनली ए, ए माइनस मतलब ए में है 1 2 3 4, बी में है सिर्फ 4, बी में है 4 5 6, सो ए माइनस बी होगा 1 2 3, ए में 1 2 3 4 थे, बी में 4 5 6 थे। ए माइनस बी मीन्स ओनली ए, ओनली ए के कौन से हैं 1 2 3। वही बी माइनस ए बोलते ना, बी माइनस ए मतलब ओनली बी के एलिमेंट्स, ओनली बी वाले कौन है 5 6, क्योंकि 4 दोनों में, बी माइनस ए मीन्स ओनली बी के एलिमेंट्स, वो कौन होंगे 4 5। एवरीबॉडी यस, फैक्टोरियल का एक डेफिनेशन है, जैसे मान लीजिए मैं जब 8 फैक्टोरियल बोलता हूँ, इसको आप ऐसा एल दिखा सकते हो, 8 फैक्टोरियल मतलब 8 से लेके 1 उल्टा मल्टीप्लाई, 8 × 7 × 6 × 5 × 3 × 2 × 2 × 1, 16 फैक्टोरियल बोला तो 16 × 15 × 14, ऐसा उल्टा मल्टीप्लाई करो 1 तक। यस नो, फैक्टोरियल को ऐसे भी दिखा सकते हैं या एल शेप में भी दिखाया जा सकता है। आगे आइए रैंडम एक्सपेरिमेंट पे, किस पे आइए रैंडम एक्सपेरिमेंट पे, परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का सिर्फ फॉर्मूला याद रखेंगे। परम्यूटेशन अगर ऐसा दिखाए NPR, बोल क्या NPR, तो याद रखना n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, मतलब मान लीजिए 8 में से आपको 3 चीज़ें
तीन चीज़ें आपको सेलेक्ट करनी है, आठ में से तीन चीज़ें। तो कैसे कर सकते हैं आप, इज इक्वल टू एट फैक्टोरियल, एट मालूम है, एट फैक्टोरियल क्या रहता है, एट से लेके वन उल्टा मल्टीप्लाई, एग्जाम में आने के बहुत रेयर चांसेस, एक ही बार आया, एक दो बार बस, वो बहुत पहले, अभी तो कुछ भी नहीं। सो एट फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर, एन क्या अपना, एन क्या अपना एट, आर क्या अपना थ्री, एट माइनस थ्री क्या रहता है फाइव फैक्टोरियल, इसका आंसर निकाल सकते क्या हम, हाँ एट फैक्टोरियल क्या रहता है, एट इंटू सेवन इंटू सिक्स इंटू फाइव इंटू एट, फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू, थ्री इंटू टू इंटू वन, मतलब एट इंटू सेवन इंटू सिक्स इंटू फाइव फैक्टोरियल, फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू, मतलब क्या फाइव फैक्टोरियल, और नीचे भी क्या है, कट हो गया, आंसर क्या बचेगा, एट इंटू सेवन इंटू सिक्स, एट फैक्टोरियल अपॉन फाइव फैक्टोरियल ना, एट फैक्टोरियल मतलब क्या, एट इंटू सेवन इंटू सिक्स इंटू फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन, है ना, और नीचे फाइव फैक्टोरियल, फाइव फैक्टोरियल मतलब क्या, फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू, ये इतना सब लिखने का ही नहीं ना, एट इंटू सेवन इंटू सिक्स इंटू फाइव फैक्टोरियल, फाइव फैक्टोरियल एट सेवन, एट इंटू सेवन इंटू सिक्स, दिस इज द आंसर, यस और नो। सो याद रखना, कभी भी अगर ऐसा बोला, टेन पी टू इज इक्वल टू टेन फैक्टोरियल अपॉन टेन माइनस टू, दैट इज एट फैक्टोरियल, विच इज इक्वल टू टेन इंटू नाइन इंटू एट फैक्टोरियल अपॉन एट फैक्टोरियल, कट, आंसर क्या बचेगा, 90, क्लियर का, अरे सुनो। सो अगर मान लीजिए एन पी आर बोला है तो क्या करने का, ये एन इधर लिखने का, एन फैक्टोरियल नीचे एन माइनस आर लिखने, 12 पी टू बोला, क्या निकालो, क्या निकालने के लिए बोला है, एक मिनट उनको बोलना, बोलो आपको नहीं समझा, हाँ हाँ 12 P2, तो क्या करना था, 12 फैक्टोरियल लिखने का, नीचे करेंगे 12 माइनस टू, 10 फैक्टोरियल लिखेंगे, अब 12 फैक्टोरियल क्या रहता है, 12 इंटू इलेवन इंटू टेन नाइन, मतलब ही 10 फैक्टोरियल, 10 9 8 7 मतलब ही क्या, 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 10 फैक्टोरियल, समझा क्या, सिंपली याद रखो बच्चों, अगर मुझे 8 फैक्टोरियल लिखाना है, 8 फैक्टोरियल मतलब क्या, 8 इंटू सेवन इंटू सिक्स इंटू फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन, ऐसा लिखो या ऐसा लिखो, 8 इंटू सेवन इंटू सिक्स फैक्टोरियल, या ऐसा लिखो 8 इंटू सेवन फैक्टोरियल, या ऐसा लिखो 8 इंटू सेवन इंटू सिक्स इंटू फाइव फैक्टोरियल, एवरीबडी जिधर तक लिखना उधर तक लिखो, नीचे का कट हो जाता है ना फिर, 12 फैक्टोरियल 12 इंटू इलेवन इंटू टेन के आगे का लिखने का ही नहीं, 10 फैक्टोरियल लिखने का, कट हो जाते हैं। सो एन पी आर का फॉर्मूला क्या है, एन पी आर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल, बोलेंगे एन पी आर इज इक्वल टू व्हाट, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल, क्लियर का सभी के लिए, हाँ सर, ओके। वैसे एक कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला, नेक्स्ट देखना, रैंडम एक्सपेरिमेंट का डेफिनेशन दिया है, ट्रायल मतलब क्या, ठीक है, एलिमेंट्री इवेंट्स मतलब दोज इवेंट्स, पेज नंबर 227 पे, दोज इवेंट्स विच कैन नॉट बी डीकम्पोज फर्दर, कंपोजिट इवेंट्स मतलब विच कैन बी फर्दर डिकम्पोज इन टू एलिमेंट्री, सो एलिमेंट्री इवेंट्स आर दोज विच कैनॉट बी डिकम्पोज, कंपोजिट इवेंट्स या कंपाउंड इवेंट्स आर दोज विच कैन बी डीकम्पोज इन टू एलिमेंट्री, ओके। इक्वल लाइकली इवेंट्स मतलब क्या, ऐसे इवेंट्स जिनके होने के चांसेस सेम हो, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब क्या, वो इवेंट्स अगर एक हुआ तो दूसरा नहीं होगा, दूसरा हुआ तो पहला नहीं होगा, गारंटी है, बेबी बॉर्न होने वाला है, दैट्स द आउटकम्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, अगर लड़का हुआ तो मतलब ही लड़की नहीं हुई, और लड़की हुई मतलब ही लड़का नहीं हुआ, यस और नो। सो अगर बेबी बॉर्न होने वाला है द आउटकम्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो हम ऐसे कहेंगे दिस आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। बाद में इंडिपेंडेंट इवेंट्स, अगर एक इवेंट के होने का दूसरे के होने या ना होने पे डिपेंड नहीं करता तो बोलना इंडिपेंडेंट है, डिपेंड करता है तो बोलना डिपेंडेंट है, सैम्पल स्पेस मतलब ही यूनिवर्सल सेट। प्रोबेबिलिटी को अप्रोच देके रखा है, प्रोबेबिलिटी का मैथमेटिकल डेफिनेशन दिया है मैंने आपको, यूनिवर्सल डेफिनेशन दिया है, फेवरेबल अपॉन टोटल आउटकम्स, मैथमेटिकल तरीके से भी देख कर रखा है, ओके। अच्छा एक रहता है ऑड्स इन फेवर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आंसर सुनना, ऑड्स इन फेवर, odds against
अगेंस्ट फेवर नहीं, ऑड्स अगेंस्ट द इवेंट, ऑड्स इन फेवर ऑफ इवेंट, ऑड्स अगेंस्ट द इवेंट. याद रखना ये प्रोबेबिलिटी नहीं है. प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन क्या है? फेवरेबल अपॉन टोटल. इसका डेफिनेशन है फेवरेबल अपॉन अनफेवरेबल. ऑड्स इन फेवर मतलब फेवर अपॉन अनफेवरेबल, ऑड्स अगेंस्ट मतलब अनफेवरेबल अपॉन फेवरेबल. ऑड्स इन फेवर मतलब, एक मिनट, प्रोबेबिलिटी और इसमें क्या फर्क है? प्रोबेबिलिटी इज फेवरेबल अपॉन टोटल, ऑड्स इन फेवर इज व्हाट? फेवरेबल अपॉन अनफेवरेबल, टोटल नहीं. तो मान लीजिए ऐसा है, प्रोबेबिलिटी इज 3/10, तो ऑड्स इन फेवर मीन्स 3/7. 10 में क्या है? फेवरेबल एंड अनफेवरेबल दोनों है, टोटल है. बोल क्या बोलना, 10 में क्या है? टोटल. प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन क्या है? फेवरेबल अपॉन टोटल आउटकम्स. अभी ये टोटल है, इस टोटल में 3 फेवर में मतलब ही कॉमन सेंस है, अनफेवरेबल कितने हैं? सही. ऑड्स इन फेवर बोला है, प्रोबेबिलिटी नहीं बोला है. ऑड्स इन फेवर मतलब फेवरेबल अपॉन अनफेवरेबल है ना, और ऑड्स अगेंस्ट बोला है मतलब अनफेवरेबल अपॉन फेवर, 7/3. ये अलग है, इसको कंफ्यूज मत करो प्रोबेबिलिटी के साथ, ये प्रोबेबिलिटी है ही नहीं. प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है फेवरेबल अपॉन टोटल, ये ऑड्स इन फेवर का फॉर्मूला है फेवरेबल अपॉन अनफेवरेबल, ऑड्स अगेंस्ट का फॉर्मूला है अनफेवरेबल अपॉन फेवरेबल. यस नो एवरीबॉडी? ओके बात देखना, एक है एडिशन रूल. अगर मान लीजिए आपको प्रायोरिटी ऑफ ए और बी चाहिए, और मतलब ही यूनियन, और मतलब ही प्लस, ऐसा मैंने आपको याद रखने के लिए बोला है. सो प्रायोरिटी ऑफ ए और बी इज इक्वल टू प्रायोरिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. और अगर आपको प्रायोरिटी ऑफ ए एंड बी चाहिए, ए भी हो और बी भी हो, लड़का हैंडसम भी हो और पैसे वाला भी हो, टू प्रायोरिटी ऑफ ए इनटू प्रायोरिटी ऑफ बी रहा ना, इफ द इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट एंड द इवेंट्स आर डिपेंडेंट, तो हम बोलते हैं प्रायोरिटी ऑफ ए इनटू प्रायोरिटी ऑफ बी कंडीशनल है. इतना लोड मत लो. इफ द इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट, बोल क्या इंडिपेंडेंट मतलब क्या? एक का होना या ना होने पे दूसरे का होना या ना होना डिपेंड नहीं करता. आज एक्सीडेंट होगा या नहीं इसका कोई लेना देना मेरे वेट के साथ नहीं है, तो बोलना ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स है. ना आज एक्सीडेंट्स होंगे या नहीं इसका बारिश के साथ शायद लेना देना है, तो बोलना दे आर डिपेंडेंट इवेंट्स. दे आर व्हाट? सो एनीवे, सो अगर तुमको ए एंड बी भी चाहिए तो मतलब पहली बात प्रायोरिटी ऑफ ए इनटू प्रायोरिटी ऑफ बी. नहीं मुझे लड़का एक तो हैंडसम चाहिए नहीं तो रिच, दोनों मतलब कुछ भी चलेगा और हाय ना, तो बोलना प्रायोरिटी ऑफ ए प्लस प्रायोरिटी ऑफ बी माइनस ए इंटरसेक्शन. Are you done? Next. Again. कुछ illustrations दिए बच्चों, ये exam में आप यही illustration बढ़ के जाना, बस मैं आपको बोल रहा हूँ यही illustration. Toss किए, दो coin toss किए, Sundays in a leap year, 53 Sunday in a leap year. Leap year में 53 Sunday होने के chances क्या है? 2/7. Non leap year में क्या है? 1/7. Logic हमने देखा regular lecture में, अभी learn कर लीजिएगा. बाद में बच्चों रैंडम वेरिएबल्स है, रैंडम वेरिएबल्स में याद रखना ये एग्जाम में आ सकता है. एक होता है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल और दूसरा होता है कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल. बच्चों डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल मतलब क्या? जो होल नंबर्स रहते, क्या रहते? इंटीजर्स नहीं रहते. जैसे नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स कितने होंगे इस साल? एक तो 231, नहीं तो 232 ही हो सकते. ऐसा नहीं हो सकता 231.33 एक्सीडेंट्स होंगे, उसको बोलते हैं डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल. A variable which will have only and only discrete values. A variable which will have only and only discrete values. और वही मान लीजिए अगर आपको देखना है वेट, एक बेबी बॉर्न होने वाला है, उसका वेट क्या हो सकता है? 2 किलो, 3 किलो, ऐसा चाहिए क्या? नहीं, 2.2 भी हो सकता है, 2.221 भी हो सकता है, 2.222111 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. इसलिए इसको बोलेंगे कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल. बोलेंगे क्या? एक है डिस्क्रीट नंबर्स ही रहते हैं, होल नंबर्स वगैरह.
फिर हमारे पास लास्ट में है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ अ रैंडम वेरिएबल. अच्छा, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ अ रैंडम वेरिएबल इज नथिंग बट विद एवरेज समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ. सिर्फ यहाँ पे एफ के बदले पी रहता है, तो समेशन पी एक्स अपॉन समेशन पी, बट समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज इक्वल टू वन, तो बच गया समेशन पी, समेशन पी एक्स. नहीं नहीं समझा सर, मतलब क्या? मान लीजिए आपको हेड्स का फ्रीक्वेंसी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन देंगे, हेड्स का क्या देंगे? तो पर डिस्ट्रीब्यूशन जैसे मान लीजिए आपको देख रखा हुआ होगा उन्होंने, हाँ ये देख लीजिए पेज नंबर 340 पर देखो, हेड्स में देखो, देखो दिया आउटकम. एक तो 30,000 इनकम कमाओगे, 30,000 गलत प्रिंटिंग है, 3,000 उसको 5,000 कर दो, 5,000 पेज नंबर 340 पे उसको 5,000 करो प्रिंटिंग एरर. एक तो 3,000 प्रॉफिट होगा एक धंधे में, नहीं तो 12,000 का नुकसान होगा. 5,000 प्रॉफिट होने के चांसेस क्या है? तो ऐसे देखो, ये मान लो x की वैल्यू, जैसे हम x और f लिखते थे ना फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में, वैसा एक तो 5,000 होगा नहीं तो -12,000 होगा. 5,000 की फ्रीक्वेंसी क्या है? 0.8. -12,000 की फ्रीक्वेंसी क्या है? 0.2. तो हमारा फॉर्मूला क्या रहता था? समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ. अब ये p है तो बस समेशन px लेने का, p इंटू x करो, ये x है, px निकालो. तो 8,500 रहा है ना, 5,000 इंटू 0.8, 8,500 40, तो 4,000. और 12,200 तो ये -2,400, क्यों माइनस है एवरीबडी? तो समेशन पी एक्स लो, इसका समेशन लो, आंसर क्या आता है? समेशन लो इसका, आंसर क्या आएगा? 1600. तो एक्सपेक्टेड वैल्यू है कि तुम्हारे इस धंधे से तुमको 1600 का प्रॉफिट होगा. 5,000 प्रॉफिट होने के 80% चांसेस है, 12,000 लॉस होने के 20% चांसेस है. तो एक्सपेक्टेड है कि आपको इस धंधे से 1600 रुपये का फायदा होगा. तो एक्सपेक्ट वैल्यू इज नथिंग बट जैसे हम एफ एक्स करते हैं, समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ, यहाँ पर डायरेक्टली समेशन पी एक्स, ये पी इंटू एक्स, ये पी इंटू एक्स करने का समेशन ले लेने का. क्लियर का सभी के लिए? बाद में उसमें इंटीग्रेशन दिखाया पेज नंबर 241 पे, 341 पे, बिल्कुल भी मत पढ़ना. यस नो एवरीबॉडी? अरे यस नो? इस हिसाब से बच्चों आपका स्टैटिस्टिक्स का भी क्विक रिविजन होता है. उम्मीद है आपको इस क्विक रिविजन का बहुत बहुत ज़्यादा फायदा होगा. कैसा लगा मुझे बताइएगा. आपके पेपर के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, दिल से शुभकामनाएं. रैंक के एंगल से जाइएगा, कभी कोई भी डाउट हो रात को 12 बजे 4 बजे बिंदास मुझे डाउट पूछने के लिए फ़ोन कीजिएगा. मिस कॉल गलती से भी मत देना, मिस कॉल मैं वापस कॉल बैक नहीं करूँगा, मेरे को दूसरे भी लाइफ में काम धंधे है. ओके, तो अगर आपको कुछ प्रॉब्लम रहा बिंदास डाउट पूछिएगा. लेट मी नो वॉट एवर योर फीडबैक इज, मे बी यू कुड कन्वे ऑन माई फेसबुक और कन्वे इट ऑन व्हाट्सएप. ऑल द वेरी बेस्ट, कुछ भी डाउट्स रहे बिंदास पूछिएगा. सी ऑल, टेक केयर, बाय बोलेंगे बच्चों. और